हमारी क्लास रहेगी BESC 131, BAG यानी जो BA में स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर, खास तौर से आपके एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए रहेगा, शिक्षा संप्रत्यय प्रकृति और परिपेक्ष, ठीक है, ये इसका रहेगा। तो इसमें देखेंगे, इसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आपकी ये जो बुक है ना टोटल, अगर आप इसमें बात करेंगे ना तो टोटल आपको लगभग, अगर मैं बात करूँ तो इसमें 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं, और 16 के 16 चैप्टर मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और पूरी क्लास को आप जरूर देखिएगा, इसमें 4 ब्लॉक हैं, और 4 ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 16 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो 16 के 16 चैप्टर को देखेंगे, और खास तौर से जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट को देखेंगे, क्योंकि इसमें से अगर आप देखोगे ना, हर ब्लॉक में देखोगे यानी हर खंड में 4-4 चैप्टर हैं, ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे तो 16 चैप्टर हैं। देखो 16 के 16 चैप्टर हैं, क्योंकि इन 16 के 16 चैप्टर में से अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर रहेगा, देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या देखिएगा, शिक्षा का संप्रत्यय एवं प्रकृति, यानी शिक्षा क्या होती है। तो खास तौर से अगर आप देखोगे तो आपके एग्जाम में जो पूछेगा, शिक्षा के लक्ष्य क्या है या शिक्षा की अवधारणा क्या है, यानी शिक्षा होती क्या है या शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है या शिक्षा का नेचर क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। या दूसरा टाइप से जो क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षा के लक्ष्य बताइए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे देखिएगा शिक्षा की अवधारणा, देखिएगा एक आम व्यक्ति की भाषा में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक क्षमता है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भाई आप सबने सुना ना कि जो एजुकेशन होती है यानी शिक्षा क्या करती है, अंधकार से प्रकार की ओर यानी प्रकाश की ओर ले जाती ना, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने में सहायक कौन होता है, शिक्षा करती है। अरे भाई जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको ज्ञानी बनाने का काम कौन करती है, शिक्षा ही तो करती है, एजुकेशन ही करती है। यानी एक जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको ज्ञानवान बनाती है ना। जैसे अगर आप देखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि भारतीय परंपरा में शिक्षा जीविकापार्जन का साधन नहीं है। भाई हमारी देखो इंडिया में तो जो एजुकेशन एक प्रकार से व्यवसाय बन गई ना, पढ़ाई लिखाई क्या हो गया, भाई यही चाहते हैं नौकरी मिल जाए। अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में जो शिक्षा ना सिर्फ एक प्रकार से जीविकापार्जन यानी नौकरी तक ही सीमित हो गई, लेकिन शिक्षा का जो महत्व है वह सिर्फ नौकरी तक नहीं है, केवल विचारों की पौधशाला नहीं बल्कि नागरिकता के लिए, बल्कि विद्यालय, यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। अगर आप वैसे देखेंगे तो भारत में जो शिक्षा वो सिर्फ नौकरी तक सीमित हो गई है। अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी से कहते हैं कि फलानी पढ़ाई पढ़ लीजिए, इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को या इस क्लास को पढ़ लीजिए या इस विषय में पढ़ाई कर लीजिए या प्रोग्राम कर लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए, तो हर व्यक्ति पूछेगा इससे हमको फायदा क्या होगा, नौकरी क्या मिलेगी। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो भारत में जो शिक्षा हो तो सिर्फ जीविकापार्जन यानी जीने का यानी दो रोटी कमाने का जरिया बन चुकी है या नौकरी पाने का माध्यम बन चुकी है अगर आप देखेंगे। लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बहुत व्यापक है। शिक्षा क्या है भाई, व्यक्ति को अंधकार से प्रकार की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने का काम करती है, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने का काम कौन करती है, शिक्षा करती है। यानी जो शिक्षा होती है, शिक्षा व्यक्ति के अनुभव और अनुभव का क्या करती है, पुनर्निर्माण करती है, ठीक है। शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास में योगदान करती है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके विकास में क्या होती है, शिक्षा मदद दे। शिक्षा ना केवल हमें नौकरी दिलाती है बल्कि हमारी आत्मा, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिल को भी शुद्ध करती है और हमारे अंदर सत्य और सद्गुणों का भी अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है, व्यक्ति शिक्षा व्यक्ति को सत्य और असत्य का भी भेद कराती है। भाई क्या गलत है क्या सही है, इसको हम कैसे जान पाते हैं, भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो इसको समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है, उसको कोई व्यक्ति बरगला नहीं सकता, ठीक है। यानी शिक्षा हमको अंधकार से प्रकार की ओर ले जाने का काम करती है। अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा जो शब्द है वह, उसको शिक्षा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एजुकेशन बोला जाता है। अंग्रेजी शब्द में शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर या एजुकेयर से हुई है। एजुकेयर शब्द का मतलब होता है पोषण करना या पालन करना। एजुकेयर शब्द का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना यानी बाहर ले जाना। एडुकेटम शब्द ई और डेकू से मिलकर बना, जिसमें का मतलब होता कि
अगर आप एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का मतलब तो पोषण करना या पालन करना या आगे की ओर बढ़ाना। शिक्षा क्या करती है, हमें आगे की ओर ही तो बढ़ाती है भाई। अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग शिक्षा से मतलब ये निष्कर्ष यह निकलता है, एजुकेशन अर्थात शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का पोषण करती है। यानी शिक्षा क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व हमारी हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाने का काम करती है। शिक्षा कह सकते हो कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। यानी एक अनपढ़ व्यक्ति से पढ़े लिखे व्यक्ति या ज्ञानी हमें बनाने का काम करती है ना। इसे आगे शिक्षा उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास करने में बताती है। यानी हमारी क्षमता क्या है, उस क्षमताओं के विकास में क्या करती है, शिक्षा ही करती ना। शिक्षा को संस्कृत में क्या बोला जाता है, अगर आप देखेंगे तो विद्या बोला जाता है। अगर विद्या देखेंगे, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सह धातु से, जिसका अर्थ है नियंत्रण करना, अनुशासन करना। शिक्षा हमको क्या करती है, एक प्रकार से अनुशासित करती है। क्या करती है, अनुशासित करती है। हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, दूसरों से हमें किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, ये हमें कौन बताता है, शिक्षा ही बताती है, एजुकेशन ही बताती है। अगर हम शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो भाई शिक्षा की अनेक परिभाषाएं हैं। देखो भारत, अगर आप ऋग्वेद कहता है कि शिक्षा कुछ ऐसी है जो व्यक्ति के आत्मनिर्भर और उसको निस्वार्थ बनाती है। यानी अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हम लोग क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। शिक्षा मुक्ति की ओर ले जाती है, हमारे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद क्या कहते हैं, शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। अगर आप देखेंगे तो भागवत गीता क्या कहती है, पृथ्वी पर बुद्धिमत्ता से अधिक शुद्धिकरण और कुछ नहीं है। यानी कहते हैं कि पृथ्वी पर अगर आपको बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि हासिल करनी है और अगर अपने मन को स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है, तो वह शिक्षा ही कर सकती है। अगर कौटिल्य की बात करोगे, जिनको हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के प्रेम की बात करती है। ये कौन कहता है, कौटिल्य कहता है। अगर पाणिनि की बात करोगे तो कहते हैं कि मानव की शिक्षा का अर्थ है प्रशिक्षण जो व्यक्ति की प्रकृति में व्याप्त है। तो आगे देखोगे वही पर अगर बात करोगे, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा उस दैवीय सटीकता के प्रमाणिकता है जो मनुष्य के में पहले से विद्यमान है। महात्मा गांधी जी कहते थे शिक्षा का अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। तो अगर आप देखोगे तो शिक्षा को लेकर के अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार से कहा। उसी प्रकार से बहुत सारे विदेशी विद्वान है, जैसे रूसो कहता था शिक्षा बच्चों के भीतर के क्या करती है, विकास करती। कौन कहता था, रूसो कहता था। उसी प्रकार से जैसे हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो कहता है शिक्षा सही गति पर आनंद एवं दर्द का अनुभव देने की क्षमता रखती। यानी शिक्षा क्या करती है, हमें एक प्रकार से आनंद और दर्द की अनुभूति यानी महसूस कराने का क्या करती है, क्षमता करती है। अरस्तु कहता शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन करती है। यानी शिक्षा क्या करती है, हमारे दिमाग को एक स्वस्थ हेल्दी माइंड रखने का काम करती है। कौन कहता था, अरस्तु कहता। तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो विचारक हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं, उन्होंने शिक्षा को लेकर के अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यानी कह सकते हो शिक्षा क्या है, अंधकार से हमको ज्ञान की ओर ले जाती है, ठीक है। खास तौर से जितने भी थिंकर हैं वो शिक्षा को लेकर के यही बात कहते हैं। अगर हम लोग शिक्षा की संकीर्ण और व्यापक अर्थ क्या है, भाई शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या होता है, देखो आजकल अगर आप संकीर्ण का मतलब संकुचित, शिक्षा को हमने छोटा कैसे कर दिया, भाई शिक्षा को छोटा इसलिए लोगों ने कर दिया। अगर आप देखोगे ना तो आज हमारे देश में जो शिक्षा सिर्फ नौकरी तक सीमित रह गई है। कहाँ तक सीमित रह गई है, नौकरी तक। आज आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं जो पढ़ाई पढ़े उनका सिर्फ एक मकसद है कि इस डिग्री से उनको एक नौकरी मिल जाए, बस इतना ही मकसद है, बाकी कुछ नहीं है। मैं कह सकता हूँ 100% लोगों का या 90.9% लोगों का जो मकसद है सिर्फ यही है। यही है शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण का मतलब बहुत छोटा सोच। शिक्षा को लेकर की हमारी सोच क्या है कि शिक्षा हमको नौकरी दे देगी, रोजगार देगी, यानी कमाने खाने का जरिया बन जाएगी, बस इससे मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है लोगों के मतलब में। यानी शिक्षा क्या कर रही है कि हमको कमाने खाने का जरिया बता देगी। यानी शिक्षा हमको एक नौकरी दिला रही है लोगों का। हमारे इंडिया में तो यही हो गया ना, यही शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या, बड़ा ह्यूज लेवल पर। अरे शिक्षा तो इंसान को तो भगवान बना सकती है। क्या कर सकती है, शिक्षा इंसान को क्या कर सकती है, भगवान बना सकती है। डॉक्टर अंबेडकर को आपने पढ़ा होगा ना, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, अंबेडकर को भगवान बना दिया ना। अरे भाई कोई नहीं तो उनके समाज के लोग उनको तो भगवान मानते हैं ना। महात्मा बुद्ध का नाम आप सबने सुना, महात्मा बुद्ध को क्या बना दिया, भगवान ही, भगवान बुद्ध कहते हैं। महावीर जैन, स्वामी महावीर को पढ़ा होगा आप सबने ना। क्या शिक्षा इंसान को नौकरी नहीं बल्कि वो क्या कर सकती, भगवान बना सकती। आप सभी लोगों में भगवान नहीं, लेकिन अगर आप शिक्षा को प्राप्त करेंगे कुछ लोग आपको भगवान का दर्जा जरूर प्राप्त हो जाएगा।
अगर मैं बात करूं शिक्षा का व्यापक अर्थों में, जैसे मैंने बोला शिक्षा इंसान को क्या कर सकती है, भगवान बना सकती है। अगर आप देखो अंबेडकर की बात करो, अंबेडकर को भगवान मानते कि नहीं मानते, जो आज उनका जो समाज है मानता कि नहीं मानता, मानता है। दूसरा अगर आप देखोगे महात्मा बुद्ध की बात करो तो बौद्ध धर्म के लोग उनको भगवान मानते हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म में देखो तो महावीर जैन की बात करो उनको लोग भगवान माने। तो शिक्षा आपको सिर्फ नौकरी तक नहीं बल्कि शिक्षा आपको भगवान बना सकती है, और शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या करती है, मददगार करती है। ठीक है, शिक्षा का संकीर्ण अर्थ यानी छोटा सा, यानी जो शिक्षा को बहुत छोटा समझता है वो व्यक्ति है भैया एक नौकरी मिल जाए और हमारा रोटी रोजी बन जाए, बस यही शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है कि आपको ज्ञान से यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कौन करती है, शिक्षा करती है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं लोग शिक्षा की प्रकृति क्या है। भाई शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अरे जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यही तो है शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। एक छोटा जब बच्चा होता है जो भाई उसको हंसना है, बोलना है, गर्म है, ठंडा है, ठीक है, तीखा है, मिर्च है, नमकीन है, इसका जो स्वाद है ये भी क्या है, यानी जो शिक्षा होती है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दो दिन की नहीं है, शिक्षा जीवन भर चलती है। और यानी जब जब तक जब व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत चलने वाली है शिक्षा की प्रकृति है, यानी पूरी लाइफ चलेगी शिक्षा को। शिक्षा देश का विकास करती है। अरे भाई जिस देश में पढ़े लिखे लोग होंगे तो उस देश का उस समाज का क्या होगा, विकास है। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो क्या करती है, हमारे समाज का विकास करती है, हमारा विकास करती है, साथ ही साथ हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का, हमारे कल्चर का विकास। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, यानी शिक्षा क्या करती है, हमारे मस्तिष्क का, हमारे समाज का, यानी शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को यानी आप देखोगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल के रख देती है। कौन बदल के रख देती है, शिक्षा रख देती है। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा एक सर्वांगीण विकास है, व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में जो विकास करती है वो क्या करती है भाई मेरे, शिक्षा करती है। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है। भाई आप हर परिस्थिति से लड़ सके इसके लिए आपको तैयार कौन करता है, शिक्षा ही करती है। ठीक है, शिक्षा आपको ज्ञानवान, धनवान और एक नागरिक बनाती है। भाई शिक्षा क्या आपको एक नागरिक बनाती है, देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सके। शिक्षा कला भी और विज्ञान भी, शिक्षा में हम कला आर्ट भी सीखते हैं और उसमें हम साइंस भी सीखते हैं। तो शिक्षा अगर आप देखोगे तो व्यक्ति के हर एक क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो विकास में, डेवलपमेंट में क्या होती है, सहायक होती है। अब हम बात करें शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शिक्षा के टारगेट क्या है। भाई शिक्षा का लक्ष्य एक है कि व्यक्ति को, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्ष्य है। शिक्षा का पहला लक्ष्य क्या, व्यक्तिगत है, व्यक्ति का विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी व्यक्ति का सामाजिक विकास हो, व्यक्ति का आर्थिक विकास हो, व्यक्ति का राजनीतिक विकास हो, व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास हो, ये शिक्षा के क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्य है। व्यक्तिगत यानी जैसे कोई किसी व्यक्ति को अगर हम शिक्षा देते हैं तो उसका विकास हो, यानी भाई कह सकते हो कि हम लोग कह रहे हैं ना कि अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने की बात करें ना, तो शिक्षा क्या करती है, अंधकार से ज्ञान की ओर लेकर के जा रही है ना, बहुत लोगों के ले गई ना अगर आप देखोगे। ठीक है, देखो शिक्षा व्यक्तिगत रूप से हमें हमारे अंदर में क्या लाती है, बदलाव लाती है, हमारा करेक्टर बदल देती है, परिवर्तन हो जाता है। शिक्षा क्या करती है, बदल देती है मानव को पूरी तरह से, चाहे स्त्री और पुरुष में, हमारी मानसिकता बदल देती है। अगर आप देखोगे मेंटलिटी, सोच किसने बदल देती है, शिक्षा बदल देती है। अगर कोई व्यक्ति सही में पढ़ा लिखा है तो जाति धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। बदलाव कौन करती है, व्यक्तित्व के लक्ष्य, यानी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्य है, यानी व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति का सामाजिक विकास हो, व्यक्ति का आर्थिक विकास हो, व्यक्ति का राजनीतिक विकास हो, एक यही क्या है, शिक्षा के लक्ष्य है ना भाई। अगला देखो शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्यों में संकीर्ण अर्थ क्या है। संकीर्ण का मतलब यानी छोटा लक्ष्य क्या है, भाई शिक्षा का छोटा लक्ष्य यही कि नौकरी मिल जाए। संकीर्ण अर्थों में शिक्षा क्या है कि भाई एक नौकरी मिल जाए, जीविका उपार्जन, एक शब्द यहाँ पर बोलेंगे आजीविका, आजीविका मतलब रोजी रोटी कमाने का जरिया। जो शिक्षा का सबसे संकीर्ण का मतलब छोटा, संकीर्ण संकीर्ण जो संस्कृत का शब्द है और संकीर्ण का मतलब छोटा, यानी जिसकी छोटी सोच हो, तो कह सकते हैं शिक्षा की सबसे छोटी सोच क्या है कि नौकरी पाना, यही शिक्षा की क्या है, सबसे छोटी सोच है। और व्यापक है भाई, शिक्षा तो व्यक्ति को भगवान बना सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में योगदान करती है और व्यक्ति को क्या यानी आपके व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी में क्या करेगी, वो निखार लाने का काम करती है। जैसे होते ना, वैसे वही
गालों में साबुन लगा देती हैं, और या कह सकते हैं क्या कहते हैं वो, क्रीम व्रीम लगा देते हैं, ठीक है, पार्लर जाकर के व्यक्ति का चेहरा चमक जाता है। उसी प्रकार से कह सकते हो कि शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार ला देती है। ठीक है, संकीर्ण अर्थों में शिक्षा क्या, संकीर्ण अर्थों में शिक्षा यही है कि आप उस शिक्षा को सिर्फ एक नौकरी जॉब के लेवल पर देख रहे हैं कि फलाना कोर्स कर लेंगे और फलानी नौकरी मिल जाएगी। ये शिक्षा क्या है, संकीर्ण अर्थों में शिक्षा है। ठीक है, यानी छोटे शब्दों में कह सकते हैं, छोटी सोच में क्या है, ये संकीर्ण अर्थों में शिक्षा वही होती है। ठीक है, नहीं हम एजुकेशन इसलिए रह रहे हैं ताकि हमें फलानी फलानी कोर्स करने से फलाना फलाना नौकरी मिल जाएगा, यही है शिक्षा का अर्थ है संकीर्ण। और व्यापक अर्थ क्या आता है, शिक्षा का सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्ति का सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास विकास करती है। और मैंने बोला ना, शिक्षा का शिक्षा क्या कर सकती है, व्यक्ति को भगवान बना सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, B.R. अंबेडकर, ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जैन, ठीक है, या बौद्ध, महात्मा बुद्ध, ये क्या है, इनको कर दिया ना, तो ये शिक्षा का क्या व्यापक अर्थ है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्यों के समर्थन में तर्क क्या है, यानी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, क्षमताएं, मनोवैज्ञानिक विशिष्ट होते हैं, अतः यानी शिक्षा क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, साथ ही साथ हमारी क्षमताओं का विकास करती है। क्या करती है, शिक्षा हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो एक प्रकार से कैपेसिटी है, उसको भी क्या करती है, बढ़ाती है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसका शिक्षा का हमारे मन पर, मस्तिष्क पर भी क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा व्यक्तिगत लक्ष्यों का समर्थन करती है, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं विकास की गति को बढ़ाती है, यानी शिक्षा क्या करती है, हमारे अंदर में जो विकास है उसको क्या करती है, बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है, हमारे अंदर में व्यक्तिगत विकास करती है, सामाजिक विकास करती है। ठीक है, शिक्षा हमको नागरिक बनाती है। ठीक है, यानी कोई भाई आज जिस देश में, शिक्षा हमको रोजगार भी देती है, आप इसको भी कह सकते हो, शिक्षा हम एक प्रकार से व्यक्तित्व बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है, क्या करती है, शिक्षा ही तो बनाती है, यानी शिक्षा जो है एक अच्छा नागरिक बनाती है। जो भाई किसी देश में अगर आपको एक अच्छा ना भाई पढ़ा लिखा समाज होगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, पढ़ा लिखा समाज होगा, सिंपल सी बात है ना, यही है। शिक्षा के व्यक्तिगत लक्ष्यों में विरोध में तर्क नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम शिक्षा को सिर्फ व्यक्तिगत लेते हैं वो सही बात नहीं, शिक्षा एक प्रकार से हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा राजनीतिक विकास, हमारा सांस्कृतिक विकास, ये सभी अर्थों में क्या करती है, काम करती है। ठीक है, शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य क्या है, भाई शिक्षा समाज को भी तो क्या करती है, अरे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उनको दूर करने का काम कौन करता है, शिक्षा ही करती है। अगर आप देखेंगे तो शिक्षा क्या करती है, दुनिया भर की बुराइयां, अगर आप देखो समाज में, भाई बहुत समय पहले हमारे समाज में जाति प्रथा थी बहुत ज्यादा, छुआछूत बहुत ज्यादा होता था ना, पहले एक समय तुमने सुना होगा ना भाई, सती प्रथा होती थी, बाल विवाह होता था, कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत ज्यादा होती थी। आज देखोगे तो समाज की जो सोच है बदली है, क्यों बदली है, क्योंकि शिक्षा ने ही, यानी एजुकेशन ने ही क्या, एक समाज में परिवर्तन लाया है। क्या है, समाज में किसने परिवर्तन लाया, ये शिक्षा ने तो परिवर्तन लाया है, यानी शिक्षा क्या करती है, समाज को एक प्रकार से लोकतांत्रिक बनाती है, और समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने में भी क्या है, शिक्षा ही क्या होती है, मददगार होती है। शिक्षा ही क्या करती है कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने में क्या करती है, मददगार होती है। ठीक है, यानी शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य वही मैंने आपको बता दिया। अगला, शिक्षा के लोकतांत्रिक लक्ष्य, भाई शिक्षा क्या करती है, हमको एक लोकतंत्र बनाती है। ठीक है, डेमोक्रेटिकल बनाती है। देखो अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा ना, तो किसी दूसरे व्यक्ति के, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, आप मेरे को क्रिटिसाइज करें, मेरी बुराई करें, अगर मैं शिक्षित नहीं रहूंगा तो हर बात पर क्या होगा, गुस्सा करूंगा। लोकतंत्र का मतलब होता कि अगर आपका कोई विरोध करता है तो उसकी भी बातों को हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। यही लोकतंत्र, यही लोकतंत्र की ताकत, यानी विरोधी पक्ष का भी महत्व होता है, वही होता है लोकतंत्र। और शिक्षा हमको क्या बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती है, कि आप भाई आपका जो बड़ाई कर रहा है, आपके आपके बारे में जो अच्छा कर रहा है, तो आप उसे सुनेंगे, ठीक है, तो आपके मन की कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति आपके मन के आपके जैसा नहीं, या आपकी आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी बुराई करता है, उस बुराई को भी एक प्रकार से अच्छे समझें, ताकि तभी, अरे जब कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपकी बुराई नहीं करेगा, तो आप में परिवर्तन आएगा नहीं, भाई सारे चापलूस आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे ना, चापलूस इकट्ठा हो गए, तो चापलूस भाई आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा ना, जिसके पास सबसे ज्यादा चापलूस थे उसका सबसे ज्यादा बंटाधार हो गया है ना। ठीक है, राजा महाराजा को नहीं, बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे युद्ध हार जाते थे, क्योंकि उनको सब यही बता था, अरे राजा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो बहुत महान है, ऐसे करते करते वो बल्कि थे नहीं कुछ, सिर्फ उनकी बड़ाई करते थे, चमचागिरी करते थे। तो यही क्या शिक्षा हमको क्या करती है, लोकतांत्रिक बनाती है। लोकतांत्रिक का मतलब अर्थ है कि हम अपने विरोधी पक्ष को भी सुनते हैं,
ठीक है, ये नहीं कि अगर हमारी किसी ने थोड़ी सी बुराई कर दी हम आग बबूला हो गए और हम ये सर पे आसमान उठा लिया, ये वाली यानी शिक्षा क्या करती है, हमको लोकतांत्रिक बनाती है। शिक्षा समाज में भी एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो हमको समाज को लोकतांत्रिक यानी हमें स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के मूल्यों को क्या करती है, बनाती है। ठीक है, ये शिक्षा करती है। ठीक है, अगला ग्राफ ये क्या है, इसमें से आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आराम से यानी शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का विकास होता है। सिंपल भाई, शिक्षा के माध्यम से क्या था, हमें राजनीतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, आर्थिक मूल्यों का क्या होता, विकास ही होता ना। शिक्षा क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में क्या है, मददगार होती है। ठीक है, इसमें से कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, इसमें कुछ भी देखो शिक्षा जो शिक्षा है, विद्यालय पढ़ाई है, अधिगम है, लर्निंग है, प्रशिक्षण है, ये सब शिक्षा के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे शिक्षा आपको विद्यालयों में दी जाती है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अधिगम का मतलब सीखना, अगर हम किसी चीज को सीखते हैं वो भी शिक्षा है, अगर हम प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, जब हमको किसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है वो भी हमारी शिक्षा है। शिक्षण जैसे जैसे खास तौर से ये एजुकेशन शिक्षण को बेस है, ठीक है, खास तौर से शिक्षण का मतलब होता है कि जब हम किसी को पढ़ाना सिखाते, भाई ये तुमको ऐसे पढ़ाना वैसे पढ़ाना, शिक्षण जैसे बीएड जैसे बीएड की डिग्रियां, एमएड की डिग्रियां हैं, ये शिक्षण की डिग्रियां होती है, तो ये भी शिक्षा ही होती है। ठीक है, ये सब क्या अलग अलग शिक्षा के अर्थ है। ठीक है, शिक्षा के अलग अलग पार्ट है, जैसे स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो भी एक शिक्षा है, अधिगम लर्निंग करना भी एक शिक्षा है, निर्देशन यानी किसी को डायरेक्ट करना, निर्देश देना, वो भी एक शिक्षा ही होती है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को भी हम शिक्षा ही बोलते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग किसी चीज जैसे आर्मी की ट्रेनिंग है, डॉक्टरी की ट्रेनिंग है, वकालत की ट्रेनिंग है, ठीक है, हर आदमी ट्रेनिंग लेता है ना, तो ट्रेनिंग भी क्या, प्रशिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग समझ जाओगे। ठीक है, शिक्षण का मतलब होता है यानी एक प्रकार से आप किसी को पढ़ाए, एजुकेट करें, उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, इसको जैसे बीएड की डिग्री और बीएड वगैरह एमएड की जो डिग्री होती है वो शिक्षण में आता है, क्योंकि एजुकेशन जो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं क्या है, ये एजुकेशन का सब्जेक्ट है, एजुकेशन यानी हम दूसरों को जाकर के क्या करें, टीच करें, ठीक है, पढ़ाएं। ये शिक्षा के अलग अलग क्या है, अर्थ है, क्या है शिक्षा के अलग अलग क्या है, अर्थ है, इनको आप पढ़ेंगे ना तो वही सारी बातें आपके पहले चैप्टर में बता रखी है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगला दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, रहेगा क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड क्या है, शिक्षा के कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो खास तौर से हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा। क्या है अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब यही होता है कि जो क्लासरूम के बाहर शिक्षा दी जा रही है वो सारी क्या होती है भाई मेरे, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो स्कूल कॉलेज में जाती है औपचारिक शिक्षा है। निरौपचारिक शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा का मतलब यही होता है कि अगर आप देखेंगे जिस शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कहने का मतलब है वो औपचारिक शिक्षा ही होती है, बट उसमें समय को लेकर के, उम्र के लेकर के, टाइम को लेकर के, ठीक है, इन चीजों को लेकर के थोड़ा क्या रहता है, लचीलापन होता है। क्या होता है इसमें, एक चीज होता है लचीली शिक्षा है। ठीक है, नहीं समय की कोई पाबंदी नहीं, कभी आइए कभी जाइए, ठीक है, इन चीजों को लेकर के रहती है, टाइम वाइम को लेकर के। दूसरा इसमें जो खास तौर से इंपॉर्टेंट बनेगा, फेस टू फेस शिक्षा क्या होती है, ऑफलाइन मोड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जैसे स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते हैं उसको बोलते हैं फेस टू फेस शिक्षा। क्या फेस टू फेस एजुकेशन किसको बोलते हैं हम, आमने सामने, जैसे टीचर बैठा है और सामने मास्टर बैठा है, ये फेस टू फेस शिक्षा है, ऑफलाइन एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, जैसे इग्नू देता है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, जैसे इग्नू देता है, ओपन लर्निंग में जिसमें बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, वो सारे घर पर उनको पुस्तकें दी जाती हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, एग्जाम देने आते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा, खास तौर से जो ऑनलाइन जो माध्यम, जैसे कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, जो गाइडेंस के जरिए दी जाती है, वो सारी ऑनलाइन शिक्षा होती है। आमने सामने की शिक्षा, मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, इनमें क्या करना, हम तीनों को कंपेरिजन करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिएगा इसको, इसमें जो रहेगा जितना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो भाई, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है, अनौपचारिक शिक्षा ऐसे किसी भी प्रकार की अनौपचारिक अधिगम वातावरण में संपन्न होती है जो आसपास के संयोग से मिलता है। जैसा आप जानते हैं कि हमने परिवार की परंपराओं, संस्कृति के दायरे में गतिविधि का अवलेखन के रूप में देखते हैं। जैसे हमारे समाज में कई प्रकार की चीजें, सामाजिक जीवन है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, इन चीजों को जो सीखते हैं, खास तौर से जैसे हम लोग जो चीज हम समाज में सीखते हैं, जो लोग हम घरों में सीखते हैं, ठीक है, या एक प्रकार से कह सकते हो कि जो लोग हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे हमने कोई खेत देख लिया है, ठीक है, या जैसे हम किसी किसान परिवार से आते हैं, ठीक है, हम फसलों को उगा के देखते हैं, इन चीजों से जो हम लोग देखते सीखते हैं वही हमारी क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। यानी जो शिक्षा स्कूली शिक्षा
से अलग होती है और जो खास तौर से जीवन पर्यंत तक चलती रहती। जो आदमी स्कूल कॉलेज में जाकर के जिन चीजों को नहीं सीखता है, वो घर परिवार में, आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, माता पिता से, दादा दादी से या भाई बहन से जो चीजें हम सीख रहे हैं, या आप जैसे मान लो सपोज के जैसे मोबाइल आप लोगों ने चलाना सीखा होगा या कोई और गैजेट सीखा होगा, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, बाइक चलाना सीखा होगा, अलग अलग प्रकार की चीजें चलानी सीखेगी, इस प्रकार की जो चीजें हम सीखते हैं ये सारी अनौपचारिक शिक्षा में आती है। जैसे किसान की भाई कैसे खेत को बोना है, कैसे काटना है, ये क्या है, सारी अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे कई बार जो बनिया समाज के लोग हैं जो आते हैं उनमें भाई कैसे जैसे पैसे गिनना, आपको पैसे गिनना किसने सिखा, स्कूल कॉलेज वाले तो सिखा नहीं भाई, नोट कैसे गिनना है या आपने कहाँ सीखा, ये सारी अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे पैसे गिनते ना भाई 500 रुपए, आपको पैसे गिनना कहाँ से आया, ठीक है, ये सारी आपने चीजें कहाँ से सीखी भाई। अगर आपने फसलों के बारे में जानते हैं, जो हम घर परिवार में सीखते हैं, गली मोहल्ले में सीखते हैं, घरों में, जैसे आपने चलना सीखा है, बोलना सीखा है, ठीक है, कहाँ सीखा है, आपने घर में ही सीखा है ना, मम्मी पापा जो छोटा बच्चा जो जितनी सारी चीजें सीखता है और जीवन पर्यंत चलती रहती है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। जो हम स्कूल कॉलेज में जाकर के नहीं सीखते हैं और बाहर सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं, अपने देश में सीखते हैं, गली मोहल्ले में सीखते हैं, घर परिवार में सीखते हैं, इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वही हमारी शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। अगला देखिएगा हमारी औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा का सिंपल सा मतलब होता है कि जो स्कूल कॉलेज में दी जाती है, खास तौर से जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। औपचारिक प्रक्रिया का तात्पर्य होता है कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको डेली जाना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उस प्रकार की शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक तरीके से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा भाई, डेली जाना पड़ेगा, टाइम रहेगा भाई 9 से 3 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, इस प्रकार की जो शिक्षा होती है कोई आती है औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा में खास तौर से जैसे हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इनमें जो शिक्षा दी जा रही है वो सारी क्या होती है, औपचारिक शिक्षा आती है। और औपचारिक शिक्षा में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो पूर्णकालिक शिक्षा होती है, जैसे कुछ कॉलेज होते हैं जैसे इवनिंग के होते हैं, मॉर्निंग के होते हैं, उसी प्रकार से औपचारिक शिक्षा में देखो व्यावसायिक भी शिक्षा दी जाती है, तकनीकी भी शिक्षा दी जाती है, यानी जिसको हम लोग टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन क्या, जैसे अगर आप देखोगे MCA है, BCA है, ठीक है, या जैसे डिप्लोमा है, ठीक है, सारी टेक्निकल एजुकेशन में आती है, BTech है, MTech है, सारी टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीकी शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में जैसे MBA है, BBA है, जो मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, एक व्यावसायिक शिक्षा, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स करवाया जाता है, ये सब व्यावसायिक शिक्षा है। यानी व्यावसायिक शिक्षा और जो तकनीकी शिक्षा होती है यह भी अगर आप देखेंगे तो औपचारिक शिक्षा में आती है जो दी जा रही है ना। उसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा रहेगा निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसी शिक्षा जिसमें लचीलापन है, यह भी औपचारिक शिक्षा की तरह से होती है, बस इसमें क्या रहता है, औपचारिक शिक्षा में सिर्फ एक बदलाव होता है, इसमें लचीलापन है। यानी ऐसी शिक्षा जिसमें खास तौर से समय को लेकर के, क्लासों को लेकर के और परीक्षाओं को लेकर इसमें थोड़ा सा क्या हमें देखना पड़ता है, लचीलापन दिखाई करता है, ठीक है। औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में मुख्य अंतर निर्माण का है और लचीलेपन का है। भाई जो औपचारिक होती है अनौपचारिक तो लगभग सेम ही होती है, बस क्या इसमें एक लचीलापन आ जाता है, इसमें थोड़ी सी टाइम को लेकर, ड्यूरेशन को लेकर के या समय को लेकर के लचीलापन है। नहीं, आपको वहां पर डेली जाना है औपचारिक शिक्षा में, निरौपचारिक शिक्षा में डेली नहीं जाना है, आपको घर पर बैठ के पढ़ना है, बस यही फर्क होता है, लचीलापन रहता है, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा का वैकल्पिक शिक्षा भी कहते हैं। वैकल्पिक यानी विकल्पिक, व्यक्ति नौकरी में आने के बाद शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर आप देखो जैसे दूरस्थ शिक्षा होती है, ऑनलाइन शिक्षा जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, ODL है, जैसे खास तौर से इग्नू है, SOL है, या जितने भी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में एजुकेशन दे रहे, वो सारी शिक्षा कहती है निरौपचारिक शिक्षा में आती। कैसे शिक्षा में आती भाई मेरे, वह सारी शिक्षा हम क्या बोलते हैं, निरौपचारिक शिक्षा में इसको काउंट करते हैं। किस प्रकार की शिक्षा है, इस प्रकार की जितनी शिक्षाएं होती है हमारी निरौपचारिक शिक्षाओं में क्या होती है, काउंट की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे देखेंगे अगला जो हमारा रहेगा उदारवादी शिक्षा क्या होती है। देखिएगा उदारवादी शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए उदारवादी शिक्षा द्वारा परिभाषा देखो क्या कहता है। उदारवादी शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होती है, यह ऐसी शिक्षा है जो मुक्त करती है मस्तिष्क को एक विशिष्ट लक्षण, अवरोधों तथा परिस्थितियों के आजाद करती है। यह व्यक्ति की उन भावनाओं को देख पाने में सक्षम बनाती है जो उसमें क्षण में मौजूद होती है चीजों को। यानी परिभाषा देखो, यह निष्कर्ष निकलता है उदारवादी शिक्षा व्यक्ति को विशिष्ट अवरोधों स्वतंत्र बनाने की कामना करती है। यह बौद्धिक तलाश जो देखो
उदारवादी शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति का विकास करती है, यानी आपको सोचने समझने का, आपकी जो सोचने समझने का जो जरिया है उसमें थोड़ा विस्तार करती है। देखो उदारवादी शिक्षा का मतलब इसमें जाति के ना जाति या धार्मिक शिक्षा नहीं है। उदारवादी शिक्षा का मतलब जो उदार शिक्षा है, एक प्रकार से न वो किसी जाति की बात करती है, न वो किसी विशेष धर्म की बात करती है, यानी वो किसी खास न वो वैकल्पिक यानी न वो एग्रीकल्चर की शिक्षा है, वो एक प्रकार से उदारवादी शिक्षा आपको क्या बनाती है, उदार बनाती है, हर चीज के प्रति आप में उदार लाएगी। उदार उदार का मतलब होता है कि एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो आप में जो एक प्रकार से होता नहीं, जैसे हम लोग कट्टरता वाली बात होती है, कट्टरता नहीं है उदारवादी शिक्षा, उसको नहीं, व्यक्ति इसमें स्वतंत्र रहता है, वो स्वतंत्र तरीके से हर चीज को सोच सकता है, समझ सकता है। ठीक है, देखो मानव के अधिगम के कई क्षेत्र हैं, जैसे शांति है, आध्यात्मिक शिक्षा है, यानी इसमें व्यक्ति जो रहता है स्वतंत्र रहता है, लिबरल जिसको हम बोलते हैं ना, आपको उदारवादी शिक्षा बोलते हैं। उदार उदाहरण के लिए शिक्षा के एक उदार विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तथा अभ्यास के क्षेत्र भी होते हैं, इसमें व्यक्ति जो होता है स्वतंत्र तरीके से सोचने समझने की उसमें क्षमता का विकास होता है, वही उदारवादी शिक्षा है। देखो अगर आप भाई सिफारिश करो, जैसे हम कोई ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसमें कोई खास धर्म की शिक्षा, जैसे कोई मुस्लिम समाज में कोई शिक्षा दी जा रही है, या हिंदू में कोई शिक्षा है, या कोई धर्म को लेकर के शिक्षा है, या कोई किसी खास तौर से की शिक्षा है, उदारवादी शिक्षा नहीं। उदारवादी शिक्षा का मतलब होता है कि जो आपका आपको उदार बनाए, उदार का मतलब लिबरल जिसको हम बोलते हैं ना, यानी आप हर चीज को एक अच्छे तरीके से समझें, ठीक है, आप में कट्टरता ना हो, या किसी धर्म को लेकर के किसी जाति को लेकर आपने झुकाव ना है, वो उदारवादी शिक्षा का मतलब था कि आप में एक स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र व्यक्ति का निवास हो, यानी हर चीज को आप इंडिपेंडेंट तरीके से सोच सकें, हर चीज को आप धार्मिक रूप से सामाजिक रूप से ना देखें, ठीक है, यही क्या होती है उदारवादी शिक्षा होती है। ठीक है, उदार तरीके से, उदारवादी का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई मेरे, इसका मतलब होता है कि हम लोग एक प्रकार से हम किसी चीज को जाति के एंगल से, धर्म के एंगल से नहीं देखते हैं, हम हर व्यक्ति को व्यक्ति की तरह से देखते हैं, और जो सच्चाई होती है उसकी बात करते हैं, और अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं, जो बच्चों में स्वतंत्रता के व्यक्तित्व को लाए, वही उदारवादी शिक्षा है। ठीक है, और ऐसी शिक्षा जो आपको धार्मिक रूप से बनाए या जातिगत रूप से शिक्षा दी जाए, वो उदारवादी शिक्षा नहीं है, नहीं आप में स्वतंत्रता नहीं है, आपको तो एक प्रकार से किसी खास एंगल से, किसी खास लक्ष्य से दी जा रही है। ठीक है, उदारवादी शिक्षा एक प्रकार से जैसे मनोविज्ञान है, दर्शन है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, आदि के साथ जुड़ाव से समझ सकते हैं, एक विषय क्षेत्र के रूप में शिक्षा के सभी पहलू बौद्धिक शिक्षा में देखे जा सकते हैं, यानी इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वह दर्शन की शिक्षा, मनोविज्ञान की शिक्षा है, समाजशास्त्र की शिक्षा है, अर्थशास्त्र की शिक्षा है, उदारवादी शिक्षा जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होकर के किसी चीज को सोच सकता, फैसले कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको शिक्षा दी गई तो हर चीज को धर्म के एंगल से देखेगा, हिंदू मुसलमान के तरीके से देखेगा, या जाति के तरीके से देखेगा, या ब्राह्मण के नजरिए देखेगा, या क्षत्रिय के नजरिए देखेगा, या दलित के नजरिए देखेगा, यानी वो क्या है एक स्वतंत्र नजरिए से उसका नजरिया। वृत्तिक शिक्षा क्या होती है, वृत्तिक शिक्षा का मतलब होता है एक वृत्तिक यानी उद्यम, एक यानी उद्यम एक क्षेत्र है जो अभिकर्ता को अपने कार्य क्षेत्र की अच्छाई को एक साझा विचार होता है, जो उसके स्वयं के रोजगार प्रदाता हितों पर अतिछादित नहीं होता है, पेशेवर व्यक्तियों के लक्ष्य और आदर्शों के उद्देश्य होते हैं, जिनका संदर्भ उस क्षेत्र के इतिहास तकनीक उसको बोलते हैं। ठीक है, देखो वृत्तिक शिक्षा यानी पेशा सामाजिक सेवा प्रदान करना चाहती है, वितरित शिक्षा विशिष्ट ज्ञान और देखो वितरित शिक्षा का मतलब होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में गए या किसी कहीं गए, वहां जो शिक्षा दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं वितरित शिक्षा दे, यानी पेशेवर व्यक्ति वह कार्य करता है जो उसके उद्देश्य होते हैं, यानी पेशेवर शिक्षा दे, जैसे आपको कृषि की शिक्षा दी जा रही कृषि को लेकर के। ठीक है, कंपनी में गए तो कंपनी वाले आपको कोई काम शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं भाई फलानी चीज को ऐसे करना है। ठीक है, या आप कहीं गए तो वहां पर आपको कैसे आना, कैसे जाना, कैसे चलना, कैसे बोलना, शिक्षा वो वैतरिक शिक्षा, जो व्यवसायिक शिक्षा या रोजगार के, जैसे मान लो आपकी हायरिंग किसी एक कंपनी में हो गई, ठीक है, तो कंपनी वाले आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उस खास कंपनी के लिए, या उनके यहाँ पर जो पार्ट बनता है, जो चीज बनती है, उसकी शिक्षा दी जा रही है, वही वैतरिक शिक्षा है। वृत्ति शिक्षा का मतलब होता है कि जो खास खास विशिष्ट ज्ञान को लक्ष्य करके दी जा रही है। ठीक है, एक पेशे के सदस्यों को जो दिया जाए वही वितरित शिक्षा होती है, जैसे आप किसान हैं तो आपको किसानी की जो शिक्षा दी जा रही है वो वितरित शिक्षा है, जैसे आपने आपने सोने का काम करते हैं, क्या है आप सुनार का काम करते हैं, तो आपके सोने की जानकारी दी जा रही, शिक्षा दी है, तो वितरित शिक्षा है। नहीं, आपको रोटी रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण होता है वही वितरित शिक्षा में आता है, किसना वितरित शिक्षा में आता है।
ठीक है, यानी जैसे खास होता है, जैसे आपने कोई नौकरी, जैसे आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, किसकी भैया, पुलिस में लग गए, तो तुमको महीने महीने भर की 15 दिन की ट्रेनिंग है पुलिस वाले, भाई पुलिस में कैसा काम होता है। जैसे तुम आर्मी ज्वाइन कर लो तो आर्मी वाले देते नहीं है कि भाई आर्मी की शिक्षा देंगे, वही वितरित शिक्षा है। यानी आप किसी नौकरी जॉब को जब पकड़ लेते हैं, किसी खास समुदाय में चले जाते हैं या खास मैनेजमेंट संगठन में चले जाते हैं, तो संगठन वाले अपने सदस्यों को जो शिक्षा देते हैं वही वितरित शिक्षा है। क्या होती है, जैसे होता नहीं, जैसे आर्मी वालों की शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और पुलिस वालों को देते हैं, ठीक है, या अगर आप देखोगे कंपनी वाले अपनी इंप्लॉई को देते हैं, देते नहीं हो सारे, ये सारी वित्तीय शिक्षा है। ठीक है, अगली जो शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। भाई व्यावसायिक शिक्षा, सिंपल सी अगर बात बोलूं, व्यावसायिक शिक्षा अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जैसे MBA, ठीक है, MCA, ठीक है, जैसे MBA है, BBA है, ये सारी व्यावसायिक शिक्षा है। जैसे कृषि की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, इस प्रकार की जो शिक्षा दी जा रही है व्यावसायिक शिक्षा है। होटल मैनेजमेंट की जो शिक्षा है व्यावसायिक शिक्षा है, ठीक है, जैसे MBA MBA लोग नहीं करते, नहीं, सारी क्या व्यावसायिक शिक्षा भाई। जैसे तुमको लकड़ी लकड़ी की शिक्षा दी जा रही है, होता नहीं जैसे लकड़ी का काम करते लोग ना, व्यावसायिक शिक्षा है। जैसे खास से जो जैसे लकड़ी का काम है, प्लम्बर का काम है, AC ठीक करने का काम है, सारी व्यावसायिक शिक्षा है। यानी ऐसी शिक्षा जिसको प्राप्त करके आप कोई अपना रोटी रोजगार खोल सके, कोई व्यवसाय कर सके। जैसे किसानों की जो शिक्षा है व्यावसायिक शिक्षा है। जैसे मान लो किसान है, मैं किसानों को पढ़ा रहा हूँ भैया तुमको खेती होती कैसे करना है, वो व्यावसायिक शिक्षा है। तकनीकी यानी इसमें टेक्निकल एजुकेशन है, तकनीक की जानकारी दी जाती है। तकनीकी शिक्षा कौन कौन से, अगर आप देखो जैसे जैसे तकनीकी शिक्षा, जैसे होता नहीं जैसे पॉलिटेक्निक होते हैं, ठीक है, एमटेक बीटेक होता है, एमटेक इंजीनियरिंग वाली जो शिक्षा होती है ना, इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर को जो शिक्षा दी, इंजीनियरिंग जो शिक्षा हो सारी तकनीकी शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन है। कंप्यूटर कंप्यूटर जो शिक्षा होते हैं ना, कंप्यूटर का जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं, ये सब क्या सारी तकनीकी शिक्षा में आती है। क्या आती है, सारी तकनीकी शिक्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखो ये दे रखा ना व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कृषि है, मैंने बोला था ना किसान फिसान को, प्रौद्योगिकी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, गृह विज्ञान को लेकर के, विज्ञान को, और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे व्यावसायिक व्यावसायिक है, और व्यावसायिक शिक्षा में जैसे कृषि में जैसे मुर्गी पालन की, दुग्ध पालन की, इस प्रकार की, ये सारी व्यावसायिक शिक्षा। देखो इस टेबल को बहुत अच्छे से बना रखा है, इसी आप समझ सकते हैं कौन कौन सी व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, जैसे आपको जो चीजें दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य कर्मी की शिक्षा है, ठीक है, या खाद्य खाने पीने को लेकर के सारी जो होता नहीं, ये सारी व्यावसायिक शिक्षा है। जैसे नाच की शिक्षा, डांस की शिक्षा, सारी व्यावसायिक शिक्षा है। जो होता नहीं बहुत सारे लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, कोई डांस सीख रहा है, कोई गाना सीख रहा है, क्या है, सारी व्यावसायिक शिक्षा है। नहीं, आप उसको पढ़ करके यानी ट्रेनिंग लेकर के आप जा करके उस क्षेत्र में कोई कोई रोजगार करेंगे, वही व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद ये अगला जो हमारा है, शिक्षा प्रदान करने के कौन कौन से दृष्टि से शिक्षा का कार्य क्षेत्र है। तो अगर आप शिक्षा खास तौर से अगर आप देखेंगे शिक्षा प्रदान करने के साधनों की दृष्टि में शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है, तो अगर मैं इसकी बात कहूँ तो आमने सामने की फेस टू फेस शिक्षा क्या होती है, ऑफलाइन जो एजुकेशन होती ना उसको बात करते हैं, फेस टू फेस शिक्षा कहते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेते हैं भाई, डेली जाना है, ऑफलाइन शिक्षा को फेस टू फेस शिक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि जो ऑफलाइन एजुकेशन नहीं होती फेस टू फेस उसी को बोलते हैं, जैसे जैसे रेगुलर में जो शिक्षा होती है उसी को बोलते हैं फेस टू फेस मोड बोला जाता है। यानी जिसमें आप स्कूल कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे और डेली जाना, रोज जाना है, ठीक है, और उसमें एक मास्टर टीचर आएगा जो आपको आमने सामने बैठ करके पढ़ाया जाता है, यही है फेस टू फेस शिक्षा या आमने सामने की शिक्षा, इसी को बोला जाता है। ठीक है, जो जिसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं वही होती है। ठीक है, अगला जो अगर आप देखेंगे मुक्त शिक्षा क्या होती है, जैसे इग्नू देता है मुक्त या दूरस्थ शिक्षा, जिसमें बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है लेकिन बच्चे घर पर बैठ करके पढ़ते हैं। खास तौर से इग्नू की जो शिक्षा है वह मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, जिसको ODL बोलते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसमें बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको बुक दे दी जाती है और उनको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ते किताबें पढ़ते हैं और सिर्फ वह एग्जाम देने जाते हैं। यहाँ पर कक्षाएं नहीं लगाई जाती हैं या कक्षा की बाध्यता नहीं होती है, वही हमारी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा होती है, जिसमें एक प्रकार से थोड़ा लचीलापन होता है, वही हमारी क्या होती है, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा होती है। ठीक है, अगला ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन तो सबको पता है, जो ऐसी शिक्षा जो कंप्यूटर के जरिए या किसी एप्लीकेशन के जरिए दी जाती है, कंप्यूटर ऑनलाइन जो एजुकेशन वही, सॉरी, जैसे गूगल मीट पर अगर मैं बात करूं, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये ऑनलाइन शिक्षा है। क्या है, ऑनलाइन शिक्षा यही है,
जैसे यूट्यूब पर पढ़ रहा कोई, या कोई गूगल मीट पर पढ़ रहा है, या जूम पर पढ़ रहा है, या सरकार हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, यही सारी कहता ऑनलाइन शिक्षा होती है भाई। कोरोना के समय तो सबको खूब सारी ऑनलाइन शिक्षा देगी ना, देखा होगा ना ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, सबको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था ना, खासतौर से कॉलेजों में तो ऑनलाइन बहुत हो रहा ना, ऑनलाइन डिक्शनरी बन गई है, इग्नू देखो जैसे ई ज्ञान कोश बना रखा है, इग्नू की पहल है, इस प्रकार से बहुत सारे टेलीविजन में जो ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट इंटरनेट और मोबाइल के जरिए जो शिक्षा दी जा रही है, यही हमारी क्या होती है ऑनलाइन शिक्षा होती है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखो ये टेबल बॉडी इंपॉर्टेंट है, आमने सामने की शिक्षा व्यवस्था क्या है, जिसमें शिक्षक और टीचर नियमित रूप से आते जाते हैं उसको बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा में। अगर देखो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना आपको ना अच्छे समझ में, इसमें खास तौर से कंपैरिजन करना आ सकता है, अगर आप तीनों को पता होगा तो आराम से क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में टेबल बना रखी है ना, कि जो आमने सामने की शिक्षा जिसको हम ऑफलाइन शिक्षा बोलते हैं, फेस टू फेस मोड बोला जाता है, ऑफलाइन होता है भाई मेरे जो स्कूल कॉलेज में होते हैं, रेगुलर की जो शिक्षा रेगुलर कॉलेज है, ये ओपन ओपन कॉलेज है, ओपन स्कूलिंग है, और ये ऑनलाइन है, तीनों को समझ लो। और फिर तीनों में फर्क क्या है आपको तो वैसे भी पता होगा, मैंने वैसे ही बता दिया, और तीनों में अंतर जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है इसी के साथ समाप्त हो गया, अब चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला तीसरा चैप्टर है क्या है, चैप्टर नंबर थर्ड क्या है, शिक्षा के अभिकरण, ठीक है। इसमें जैसे बात करेंगे शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार, देखो खास तौर से अगर बात करेंगे, देखो हमें जो शिक्षा मिलती परिवार में मिलती है भाई, जब छोटा बच्चा जो होता है अगर आप देखेंगे तो हमें सबसे पहले शिक्षा कहाँ से मिलती है भाई, हमें हमारे परिवार से मिलती है ना, जैसे जब छोटा बच्चा होता है, जब वह जन्म लेता है भाई, उच्च चलना सीखता है, वह बोलना सीखता है, दादा है दादी है मामा है बुआ है इस प्रकार के, उसको ठंडा गर्म या उसको लेटरिंग बाथरूम ये सारी जो चीजें प्रक्रिया जो सीखता कहाँ पर सीखता, परिवार सीखता। वैसे भी तुमने सुना होगा कि जो हमारी पहली क्लास होती है क्या होती है, हमारा परिवार होता है, पहली शिक्षिका क्या होती है माँ होती है, आप सबने तो ये सुना ही रखा होगा। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है, हमें शिक्षा शुरू में सबसे पहले कहाँ मिलती है, हमारे परिवारों से मिलती है, हमारे घरों में मिलती है, जो हमारी माँ है पिता है बाप है अदा है दादी है बुआ है मौसी है, यानी जो हमारे परिवार में लोग होते हैं। शिक्षा का अभिचरण यानी शिक्षा का अभिकरण का मतलब, यानी शिक्षा की शुरुआत कौन कर, शिक्षा में सबसे पहला पार्ट क्या आता है, हमारा परिवार आता है। तो हमें कहाँ से शिक्षा मिलती है भाई, हमारे परिवारों से मिलती है, हमारे घरों से मिलती है। देखो घरों में देखो हम लोग दादा है दादी है नाना, बोलना नहीं सीखता बच्चा, छोटा थोड़ा मोटा लिखना भी सीखता है, ठीक है। उस जैसे पहले शिक्षिका जैसे माँ को बोला जाता है भाई, अपने माँ जो होती है बच्चों को कितना सारा कुछ सिखाती है ना, सिखाती है ना। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे पिता है, घरों में देखो बच्चा चलना सीखता है बोलना सीखता है खाना पीना सीखता है उठना बैठना सीखता है। तो हमारी जो पहला शिक्षा कहाँ से होती है, हमारी शिक्षा पहली शिक्षा परिवारों से हमारी शुरू होती है, जो हमारी फैमिली होती है जो हमारे परिवार होते हैं वही तो हमारे सारी चीजों को बताते हैं। बहुत सारा जो बच्चा सीखता है शुरुआत में वो अपने परिवार में ही सीखता है, वो अपने घर परिवार में ही क्या होती है पूरी शिक्षा उसको दी जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय, उसके बाद जब बच्चा घर परिवार में सीख लेता उसके बाद जो बच्चा कहा जाता है विद्यालय देता। दूसरी जो शिक्षा हमारी शुरू होती है हमारे विद्यालय में, विद्यालय में एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा होती है जहां पर बच्चा लिखना सीखता है, बच्चा अगर यहाँ पर लेखन शिक्षा होती है उसको यहाँ पर सोचने समझने का नजरिया उसमें डेवलप होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास क्या करता है विद्यालय करता है। बच्चों के विकास में अगर आप देखोगे विद्यालय की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि देखो घर में हम जो सीखते हैं वो सिर्फ हम मौखिक रूप से बोलना सीखते हैं, बच्चा जब विद्यालय में आता है तब वह धीरे धीरे उसमें समाजीकरण होता है, वह दूसरों बच्चों से बात करता है, वह मिलता जुलता है, और विद्यालय क्या करते हैं एक प्रकार से हमारे डेवलपमेंट और विकास में ज्यादा मददगार करते हैं। विद्यालय में जब बच्चा आता है तो खेलता है कूदता है, ठीक है, या कई सारे गीत संगीत में, ठीक है, या नए नए बच्चों से मिलता है, नए नए बच्चों से उसकी दोस्ती होती है, विद्यालय और घर के बीच में क्या एक अच्छा संबंध बनता है, वो घर में भी सीखता है विद्यालय में सीखता है, और बल्कि विद्यालय में उसको एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा दी जाती है जहां पर उसको एक टीचर आकर के तमाम विषय पढ़ाता है, कहानी सुनाता है, लिखना सिखाता है, या उसको खेलना सिखाता है, अलग अलग गीत सिखाता है, संगीत सिखाता है। ये हम कहाँ सीखते हैं, हम अपने विद्यालयों में जाकर सीखते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो विद्यालय होते हैं उनकी क्या होती है शिक्षा में एक हमें बड़ी भूमिका दिखाई देती है, होती ना।
हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पर तो मिलती है इस प्रकार की शिक्षा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे शिक्षा के अभिकरण के रूप में समुदाय, नहीं जो हमारी सोसाइटी होती है, जो समुदाय होता है, वह भी तो हमें शिक्षित करता है। जैसे हम गरीब किसान परिवार से आते हैं, जैसे आपका जो समाज होगा, जैसे आप किसी भी समाज से आते हैं, जैसे आप हिंदू समाज से हैं, आप मुस्लिम समाज से, जैसे आप कोई बच्चा मुस्लिम समाज से आता है, तो आपको वहां पर रहना, उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, इस्लामिक पद्धति आपको सिखाई देती है। यानी जो हमारा समुदाय होता है, यानी हमारी जो कम्युनिटी होती है, उसमें भी तो हम सीखते हैं। हम अपने परिवार में, मोहल्ले में, मोहल्ले वोहल्ले में जो सीखते हैं, ठीक है, हम अपने सोसाइटी में जो सीखते हैं, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, अपने समुदाय में भी तो सीखता है, ठीक है। उसके जो दोस्त होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उनसे भी बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है ना। तो हमारा जो समुदाय होता है, किसी, अब देखो हर बच्चा किसी खास जाति से, किसी खास धर्म से, किसी खास जगह से आता है, तो अपने समुदाय में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को सीखता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा जो राज्य होता है, ठीक है, राज्य यानी जो हमारी सरकार होती है, जो हमारा स्टेट होता है, वह भी बच्चों को अलग अलग प्रकार से क्या करता है, शिक्षित करने का प्रयास करता है। देखो हमारी जो सरकारें होती है, वो स्कूल कॉलेज खोलती है, किसके लिए खोलती है, भाई बच्चों के लिए खोलती है ना। बच्चों के विकास में अगर आप देखेंगे तो राज्य की एक बड़ी भूमिका, यानी स्टेट की, ठीक है, देश यानी जो हमारे गवर्नमेंट है, उनकी भी तो बड़ी भूमिका है, वो भी बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि तभी तो बच्चा क्या बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, तभी तो राज्य का विकास होगा। अरे भाई जब बच्चों का विकास होगा तभी तो राज्य का विकास होगा। तो यानी राज्य जो है वह भी बच्चों की अगर आप देखेंगे तो शिक्षा में उसकी क्या है, एक हमें बड़ी भूमिका दिखाई देती है, ठीक है। वो भी क्या करता है, बच्चों को शिक्षित ही तो करता है, बच्चों को अलग अलग चीजें दिखाता है, सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है, उनमें क्या होती है, उसकी भी क्या होती है, एक बड़ी भूमिका होती है ना। राज्य की, स्टेट की भूमिका हमें दिखाई देती है ना। अरे सरकार स्कूल कॉलेज बनाती है, यूनिवर्सिटी बनाती है, ठीक है, बच्चों को कई बार देखो फीस में भी उनको सहूलियत देती है, उनको देखो आप मिड डे मील देती है इसको, सरकारी स्कूल में देखो मिड डे मील मिलता है, मध्यांतर भोजन मिलता है, किताबें मिलती हैं। राज्य क्यों दे रहा, ताकि लोग ज्यादा से बड़े संख्या में लोग स्कूलों में आए, कॉलेजों में आए, पढ़ाई करें। उनको वजीफे देती है जिसको हम लोग स्कॉलरशिप बोलते हैं, ये सारा कौन देता, हमारा राज्य ही तो देता है ना। तो क्या है, राज्य बड़ी भूमिका निभा रहा ना, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में, भाई सरकारी स्कूलों को खोल करके, ताकि हर गरीब के, गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिक्षा को प्राप्त कर सके। राज्य का क्या यही उद्देश्य है ना भाई। अगर भाई जो प्राइवेट स्कूल है उसमें तो अमीर आदमी जाकर के पढ़ लेगा, गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा, तो सरकारी स्कूल उसके लिए बना रखे, जहां पर कम पैसे में, कम लागत में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। वहां पर बच्चों को मध्यांतर, जैसे मैंने, हमने मिड डे मील की बात की, मध्यांतर भोजन जिसको बोलते हैं, कि आपको वहां पर दोपहर में खाना मिलता है, आपको ड्रेस मिलती है, आपको किताबें मिलती हैं, आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, ताकि बच्चे का पालन पोषण किया जा सके। ये क्या होता, राज्य इस प्रकार की बच्चों में शिक्षा में एक बड़ी भूमिका निभा रहा ना, सरकारी स्कूलों के माध्यम से, या कई बार बच्चों को वजीफा देता है ताकि वह किसी बड़ी पढ़ाई को कर सके, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के एक केंद्र में हमारे संचार माध्यम भी हैं, जो जैसे मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविजन, इंटरनेट है, या भी शिक्षा को बढ़ाने में इनकी भी क्या है, बड़ी भूमिका हमें दिखाई देती है। आज देखो जैसे YouTube है, ठीक है, या गूगल मीट है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो शिक्षा में संचार की बड़ी भूमिका। हमारे जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, जो टेलीविजन, इनको भी अगर आप देखो ना, शिक्षा के, शिक्षा में भूमिका निभा रहे ना, बड़ी भाई भूमिका। तो शिक्षा में आप देखोगे तो हमारे परिवारों की भूमिका है, हमारे विद्यालय की भूमिका है, हमारा जो समुदाय होता है वह भी शिक्षा में बड़ी भूमिका निभाता है, हमारी जो सरकारें होती है, हमारा जो राज्य होता है वो भी करता है, साथ ही साथ जो संचार माध्यम है, जो कम्युनिकेशन के केंद्र है, जैसे अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, यह भी अगर आप देखो तो शिक्षा में इनकी भी क्या है, हमें भूमिका दिखाई देती ना। ये भी क्या कर रहे हैं भाई, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं ना, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, वह भी शिक्षा देते हैं ना, वह भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बताते हैं, कर रहे ना, शिक्षित कर रहे ना। तो इनकी भी अगर आप देखेंगे तो हमें बड़ी भूमिका दिखाई देती है, और इनकी भी भूमिका अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है ना। तो ये क्या है, तीसरा चैप्टर में से इसमें कुछ भी आएगा तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी के चैप्टर में हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ईजी था, और जैसे मैंने बता रखा है इसमें से अगर आपका शायद 10 मार्क्स में आ जाएगा, और 10 मार्क्स में आराम से इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, शिक्षा का ऐतिहासिक विकास। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 4, क्या है, शिक्षा का ऐतिहासिक विकास। इसमें खास तौर से हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई प्राचीन समय काल में कैसी शिक्षा दी जाती थी, वैदिक काल में, बौद्ध काल में, और मध्य काल में शिक्षा कैसी दी जाती थी, जब भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल भारत में चल रही थी, यानी खास तौर से उस समय हमारे देश में मुस्लिम शासक थे। तो देखिएगा प्राचीन भारतीय शिक्षा क्या है, देखिएगा
भारत में सुस्थापित शिक्षा व्यवस्था का काफी लंबा इतिहास है। अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाएं अतीत शैक्षिक व्यवस्थाओं की प्रतिफल है। देखो, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है, आज हमें उस शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन दिखाई देखने को मिलता है ना। अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो उस समय शिक्षा की जो समस्याएं थी अध्ययन में आती थी, आज वैसी समस्या हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखें तो भारत का शिक्षा को लेकर के एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वस्तुतः अगर आप देखेंगे जैसे वैदिक काल है में ब्राह्मण है, बौद्ध युग है में एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था है। अगर आप देखोगे तो भाई प्राचीन काल से हड़प्पा मोहनजोदड़ो वैदिक सभ्यता से या गुप्त काल या अब देखोगे बौद्ध काल से देखोगे तो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था रही वह काफी बेहतर रही है। ठीक है, तत्पश्चात प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को मुगलों द्वारा पोषित किया गया। आगे अगर आप देखो जो दिल्ली सल्तनत सुल्तान है, जो मुगल काल है, उसमें भी भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी आगे बढ़ी। साथ ही साथ आप देखोगे जब भारत में अंग्रेज आते हैं वहां पर भी भारत में शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन होता है। और जब हमारा देश आजाद हुआ तब भी अगर आप देखोगे ना तो भारत सरकार ने शिक्षा में काफी सुधार किए, काफी बदलाव किए। तो अगर आप देखें तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वह समय समय पर बदलती रही है और उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैदिक काल की शिक्षा कैसी रही। देखो, वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था है वेदों की दी जाती थी। भाई मेरे, वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था किसकी दी जाती थी? वेद की जाती थी। खास तौर से जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्वेद है, यजुर्वेद है, यानी वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो वेदों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें प्राचीन लोगों की संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, जीवन के बारे में, इन चीजों को बताया जाता था, उनमें जीवन का दर्शन होता था। ऋग्वेद में अगर आप देखोगे भारतीय विचारक शिक्षकों के, ऋषि के, मुनियों की शिक्षाओं का क्या हमें सार मिलता है। वैदिक काल के दौरान अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद पर आधारित शिक्षा होती थी, जिसमें खास तौर से अगर आप देखोगे तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा, इन चीजों की ज्यादातर शिक्षाएं दी जाती थी। और शिक्षा को जो इसलिए शिक्षा दी जाती थी ताकि लोगों को मुक्ति मिल सके। मुक्ति क्या? जीवन और मृत्यु के, और व्यक्ति को सत्य जान सके, इसलिए अगर आप देखें तो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे शिक्षा के लक्ष्य क्या है, देखो जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा है, ध्यान रखना, जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा उसके लक्ष्य क्या है। वैदिक काल के दौरान शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को सत्य और ज्ञान प्राप्त कराने में सक्षम बनाना था। देखो, वैदिक काल में जो भारत में शिक्षा व्यवस्था रही वो क्या था, लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तो यही था कि व्यक्ति को क्या करना है, अंतिम जो ज्ञान है, अंतिम लक्ष्य क्या था, उसको सत्य और ज्ञान प्राप्त हो ताकि वह मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखो, वैदिक काल में जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसका सिर्फ अंतिम लक्ष्य यही है, व्यक्ति को ज्ञान देना ताकि उसको मोक्ष मिले। और मोक्ष का मतलब है कि मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो पृथ्वी पर अपना इंसान के रूप में जीवन लेते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाए। ठीक है, यानी स्वर्ग मिल जाए, इसकी बात को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मुक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मुक्त शब्द से, जिसका अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र होना, यही अंतिम चरण है। यानी वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी ना, लोगों को धार्मिक रूप से मुक्ति मिल जाए ताकि उनका जीवन मृत्यु का जो चक्र उससे मुक्ति मिल जाए, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था का यही लक्ष्य था। अब वैदिक काल में अगर आप देखोगे जिसमें धर्म की, अर्थ की, काम की, इन सभी चीजों की क्या शिक्षा दी जाती थी। धर्म का अर्थ है एक आभासी तथा नैतिक जीवन। तो वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोगों को जो शिक्षा दी जाती थी वह वेदों के जरिए। ठीक है, यजुर्वेद है, साम वेद है, अथर्व वेद है, ऋग वेद है, इन वेदों की ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला देखेंगे वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, यानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां थी, यानी लोगों को कैसे पढ़ाया जाता था। तो अगर पढ़ाने की बात करें तो वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो तीन तरह से शिक्षण विधियां होती थी। जैसे सुनना, छात्र शिक्षकों को उच्चारित शब्दों तथा वस्तुओं को सुनाते थे। वैदिक काल में अगर आप देखो जो शिक्षक होते थे, श्रवण, यानी एक प्रकार से लिसनिंग जैसे होता ना, उस प्रकार से जैसे टीचर आता था, जो ऋषि मुनि आते थे वो खड़े हो जाते थे और व्याख्यान देते थे, यानी और जो छात्र होते थे उसको सुनते थे। दूसरा, विचार विमर्श के जरिए, मनन के जरिए। वैदिक काल में शिक्षा का जो दूसरा तरीका था मनन, या शिक्षण का एक उन्नत तरीका था जिसके माध्यम से जो छात्रों को सिखाया जाता था, जिसमें शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठों पर जो विद्यार्थी होते थे वो विचार करते थे, मनन करते थे, इस प्रकार से शिक्षण विधि थी। तीसरी जो शिक्षण विधि थी वो ध्यान, इस विधि के माध्यम से सत्य के बोध को प्राप्त किया जा सकता था। और तीसरा तरीका, देखो वैदिक काल में जो पढ़ाया जाता था किन तीन तरीकों से पढ़ाया जाता था, जैसे श्रवण यानी सुनना,
यानी टीचर्स आते थे, गुरु गुरुजन आते थे और वह भाई क्या करते थे, बोलते थे, ठीक है, लोगों को एजुकेट करते थे, लिखते नहीं थे बोर्ड वोर्ड पर, ठीक है, लिखने का तरीका वरीका नहीं था उस समय, कागज वागज नहीं होता था, ठीक है। दूसरा क्या था, मनन, यानी जो गुरु ने पढ़ाया है उस पर विद्यार्थी क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। और तीसरा तरीका था ध्यान, यानी ध्यान लगा करके भी शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ध्यान एक प्रकार से योग करना या एक प्रकार से सत्य का बोध प्राप्त किया ध्यान के जरिए। और छात्रों की बात करें तो उस समय छात्रों के कर्तव्य क्या होते थे, उस समय जो छात्र होते थे ना, उस समय के जो छात्र गुरुकुल में रहते थे उनके कर्तव्य क्या था, एक छात्र अपने गुरु की सेवा करता रहता था और एक प्रकार से जो बच्चे गुरुकुल में जाते थे वहां पर उनको गुरु सारी चीजें सुखाते थे। दूसरा, छात्रों को दान देने के लिए बाहर जाना पड़ता था और छात्रों को उस समय अगर आप देखोगे तो दयालुता का विकास सिखाया जाता था, अध्ययन उनका मुख्य दायित्व होता था, वह गुरु की सेवा करते रहते थे और गुरुजन जो जो चीज कहते थे विद्यार्थी वही करते थे, ठीक है। अगर हम गुरु शिक्षक के बीच अगर आप देखेंगे उस समय बहुत मधुर संबंध होते थे, गुरु और शिक्षक जो होते थे, अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के दौरान अगर आप लोग देखेंगे तो शिष्य और गुरु को अपने पिता तुल्य मानते थे। गुरु बहुत ही स्नेह पूर्वक अपने छात्रों को पढ़ाते थे, वह उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। वैदिक काल में जो टीचर होते थे अपने विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते, सदा गुरु जो होता था वह उनके अच्छे विकास के लिए और अच्छे नियत से पढ़ाते थे। वैदिक काल में अगर आप देखें गुरुकुल में जाकर के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, यानी जो विद्यार्थी होते थे वे अपने घर से आते थे और गुरु का जो घर रहता था वहीं लंबे समय तक रहकर वह शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु के गुण क्या थे, वैदिक काल में अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक आध्यात्मिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए उसमें सक्षम होते थे। गुरु अपने गुरुकुल में रहते थे, उस समय के जो टीचर्स होते थे, जो गुरु होते थे वह सिर्फ गुरुकुल में ही रहते थे, ठीक है, गुरुकुल में ही जो बच्चे आते उनको पढ़ाते थे, ठीक है। उस वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो धार्मिक और आध्यात्मिक विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता था, इसलिए शिष्य जो होते थे उनका समस्त कर्तव्य गुरुओं के प्रति होता था, जो निरंतर अपने छात्र में गुणों में सुधार करते रहते थे। यानी अगर आप देखो तो वैदिक काल में जो गुरु होते थे उनका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए और यानी जो शिष्य हैं उनके कर्तव्यों में गुरु क्या करता था, हमेशा सुधार करने का प्रयास करता था ताकि उनको एक बेहतर नागरिक बना सके, ठीक है। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें उस समय पढ़ाया क्या जाता था, अगर हम लोग उस समय पढ़ाने की बात करें तो उस समय कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, तो वैदिक काल के अगर हम विषयों की बात करें तो भाई उस समय अगर आप देखोगे तो संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी, वेद पढ़ाए जाते थे, उसमें व्याकरण पढ़ाया जाता था, ज्योतिष पढ़ाया जाता था, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे स्वर ज्ञान पढ़ाया जाता था, शब्द उत्पत्ति पढ़ाई जाती थी, साथ ही साथ शारीरिक विषय की भी शिक्षा दी जाती थी। अगर आप वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में शारीरिक विषय की भी शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ आयुर्वेद की, चिकित्सा की, खगोल शास्त्र की, आचार नीति की, दर्शन की, ज्योतिष की, अर्थशास्त्र की और सैन्य शिक्षा भी उस समय दी जाती थी। वैदिक काल में अगर आप देखें तो ये चीजें पढ़ाई जाती थी और शिक्षा जो दी जाती थी शिक्षा में परिपूर्णता थी, यानी सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यानी ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अगर वैदिक काल की बात, तो वैदिक काल में धार्मिक शिक्षा का बड़ा महत्व था क्योंकि उस समय धर्म का काफी बोलबाला था, इसलिए अगर आप देखो विद्यार्थियों में दया, क्षमा, दृढ़ता, निष्ठा, इस प्रकार की मूल्यों को जगाने का प्रयास किया जाता था। अगर आप वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में हमें धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया, किसमें भाई मेरे, धार्मिक शिक्षा पर। दूसरा, जो छात्र उनका चरित्र निर्माण हो, गुरुओं का विचार था कि विद्यार्थी के जीवन में उसको अच्छी आदतें सिखानी चाहिए ताकि भविष्य में विद्यार्थी के सुख और शांति मिले। विद्यार्थी सीधे अपने शिक्षक से व्यक्तिगत पर्यवेक्षक होते थे, जो उनके केवल बौद्धिक विकास को ही नहीं बल्कि उनके नैतिक विकास को, देख वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो गुरु सिर्फ आपका शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास नहीं, बल्कि आपका बौद्धिक विकास भी चाहते थे। यानी उस समय जो गुरु होते थे वह बच्चों के चरित्र निर्माण पर भी बल देते थे। नारी शिक्षा, वैदिक काल में अगर आप देखें नारी शिक्षा पर भी उचित ध्यान दिया गया था, जिसका महत्व है कि महिलाओं को भी शिक्षा शिक्षिका बनती थी। देखो वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा दिया जाता था, लेकिन बाद के वर्षों में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को शिक्षा व्यवस्था से वंचित कर दिया गया था। शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी, ठीक है, शारीरिक व्यायाम करना, ठीक है, शारीरिक शिक्षा की, यानी जिसको आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं, तो वैदिक काल में भाई मेरे शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इस समय अगर आप देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा का भी क्या था, बड़ा महत्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग अगला बात करें, बौद्ध कालीन शिक्षा क्या थी, यानी जब महात्मा बुद्ध का काल आता है,
बौद्ध काल में खास तौर से अगर आप लोग देखेंगे, जब भारत में गुप्त साम्राज्य और मौर्य काल था, मौर्य और गुप्त काल के समय भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे रही, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर को ओके देखिएगा इसको है। शिक्षा की बात करें तो जब वैदिक काल या खास तौर से वैदिक काल की हो या बौद्ध काल की देखो, तो भाई जब बौद्ध कालीन शिक्षा क्या थी, बौद्ध काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का विकास भारत में हुआ, इस समय गौतम बुद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया जो बौद्ध धर्म है। जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश के एक भारतीय राजकुमार थे, जो 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का भारत में फैलाया था। ठीक है, अगर हम बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करें तो बौद्ध काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बौद्ध धर्म की दी जाती थी। किसकी भाई मेरे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यह भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय धर्म की, दर्शन की, समाज की, राजनीति की, इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। और बौद्धकालीन जो शिक्षा है उसमें बौद्ध मठों में विहारों के माध्यम से क्या होती थी, इसमें शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। ठीक है, अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें, इस शिक्षा के लक्ष्य क्या है, अगर बौद्धकालीन शिक्षा की बात करूं, इस समय की जो शिक्षा है उसका व्यक्तिगत लक्ष्य है, व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक लक्ष्य है। जो बौद्धकालीन शिक्षा है वह व्यक्ति का विकास करना है, साथ ही साथ व्यक्ति का सामाजिक विकास भी करना होता था। शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। बौद्धकालीन जो शिक्षा है उसका शिक्षा का लक्ष्य क्या था, कि हमें संसार के बारे में विद्यार्थियों को पता चले, साथ ही विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो, क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा का लक्ष्य है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वह मार्ग दिखाना जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त। देखो बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी इसलिए दी जाती थी ताकि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर क्या, अपनी इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर सकें, यानी अपने हम इंद्रियों को जीत सकें। ठीक है, क्या, अपनी हम इंद्रियों को जीत सकें, इस प्रकार की शिक्षा के लक्ष्य अगर आप देखेंगे तो बौद्ध काल में शिक्षा के लक्ष्य थे। बौद्ध काल में देखिये, बौद्ध काल में शिक्षण संस्थान कौन कौन से जहां पर शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध काल में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से प्रथम इसमें संस्कार होते थे, इसमें बौद्ध मठों में, बौद्ध संघों में जाकर के शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को प्रारंभ संस्कार से गुजरना होता था। वैदिक काल में उपनयन की तरह ही बौद्ध काल में एक छात्र को संघ में प्रवेश लेने से पहले पजबा किया जाता था। शुरुआत करने वाला यदि 8 वर्ष की आयु का होता था तो उसे पजब या उसको संस्कार होना पड़ता था। सामान्यतः हर किसी को पजबा करने तथा संघ का हिस्सा बनने का अवसर होता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि माता पिता छात्र को मठ में शामिल होने की अनुमति दे। देखो बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी ना वो बौद्ध मठों में दी जाती थी। जो बौद्ध विहार होते थे, बौद्ध भिक्षु के होते ना, जो बौद्ध धर्म के लोग होते थे, वहां बौद्ध विहारों में जाना पड़ता था और माता पिता से आज्ञा लेकर के वहीं पर रहना पड़ता था और उन्हें 12 वर्ष तक कह सकते हो कि बौद्ध मठों में शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में देखो तो कितने साल तक शिक्षा मिलती थी भाई मेरे, 12 साल तक पढ़ाया जाता था। ठीक है, उप संपदा यानी अंतिम संस्कार क्या था, 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 20 वर्ष की आयु में भिक्षु की शिक्षा, यानी जैसे भिक्षु बनना था उनको भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसको बोला जाता था, इसमें एक छात्र को भिक्षुक बनाया जाता था जिसका पारिवारिक जीवन नहीं होता था, यानी एक प्रकार से जब वो साधु बन जाते हैं ना, बौद्ध भिक्षु बन जाते, उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, पजबा एक सीमित समय के लिए संस्कार था परंतु उप संपदा अस्थाई था तथा पूरे जीवन काल के लिए होता था, यानी जब कोई बौद्ध भिक्षु बनता था, यानी दो प्रकार की शिक्षा दे, ये तो बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में जाकर के शिक्षा दी जाती थी और दूसरा जो होते थे वो प्रकार से भिक्षुक बनते थे, भिक्षु यानी जो जैसे भिक्षा मांगते थे, बौद्ध भिक्षु बनते थे। इस समय किस बौद्ध काल में अगर आप देख कौन कौन सी चीजों की शिक्षा दी जाती थी, अगर आप देखेंगे तो बौद्ध काल में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जैसे विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम पिटक है, इनकी शिक्षा है। देखो बौद्ध काल में अगर आप देखोगे तो बौद्ध जो ग्रंथ है, क्या भाई मेरे, जो बौद्ध ग्रंथ है उसके, और खास तौर मौखिक रूप से औपचारिक शिक्षा थी, पुस्तक आधारित थी। अगर आप देखेंगे तो बौद्ध काल में जो शिक्षा थी मौखिक रूप से, औपचारिक रूप से और पुस्तकों के जरिए शिक्षा दी जाती थी, और इसमें विषय कौन कौन से होते थे, बौद्ध जो ग्रंथ होते थे उनकी शिक्षा दी जाती, जैसे सूत पिटक है, ठीक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। ठीक है, यानी ये जो पिटक होते हैं उनके जरिए शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम क्या था, इस समय अगर आप देखेंगे तो स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। किस में शिक्षा दी, स्थानीय भाषाओं में, बौद्ध शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं थी जो समुदाय में प्रयोग में लाई जाती थी।
इसलिए शिक्षा में भाषाएं दी, इसलिए स्पष्ट है कि बौद्ध काल में संस्कृत का कोई विशेष महत्व नहीं था। इस समय अगर आप देखो बौद्ध काल में पाली और प्राकृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी, भाई संस्कृत भाषा में शिक्षा नहीं थी बौद्ध काल में, क्या थी? संस्कृत भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि पाली और ठीक है पाली और प्राकृत भाषा में शिक्षा थी। शिक्षण की कौन कौन सी विधियां थी? यहाँ पर मौखिक शिक्षा दी जाती थी। किस प्रकार से? बौद्ध काल में अगर आप शिक्षा देखेंगे तो टीचर आकर के बच्चों को पढ़ाता था, मौखिक शिक्षा थी। साथ ही साथ कहानियों के जरिए शिक्षा दी जाती थी, नाटकों के जरिए, ठीक है। शिक्षा की ब्राह्मण व्यवस्था की तरह बौद्धकालीन शिक्षा में बहस और चर्चा की पद्धति थी। इस यानी बौद्धकालीन शिक्षा में देखेंगे तो यहाँ पर भी डिबेट होती थी, बहस होती थी, जो छात्र अपने बच्चों से क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर चलता था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म का लक्ष्य पुराने दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देना था। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इस प्रकार की भी शिक्षा कह सकते हो कि बौद्ध काल में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये तो प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसे थी या बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, ये आपके एग्जाम में आ सकता। अगला हम बात करें मध्यकाल में शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। मध्यकाल का मतलब है कि जब भारत में मुस्लिम शासक आए, क्या कहेंगे, जब भारत में मुस्लिम शासक आए उस समय हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी या हमारे देश में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था दी जा रही थी। अगर मैं मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल में अगर देखोगे भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में नई परंपरा की शुरुआत की। कालांतर में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में बहुत बदलाव हुआ। अकबर के अतिरिक्त किसी भी शासक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य नहीं किए हैं। इस तथ्य के कारण ही एक शासक द्वारा किया गया अधिकांश प्रशंसनीय कार्य उत्तराधिकारी द्वारा अनुत्तरदायी थे। देखो आप देखो मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था, मध्यकाल में जो शिक्षा व्यवस्था उस समय इस्लाम है, मुस्लिम शासक है, तो शिक्षा के लक्ष्य क्या थे? मुगल काल में शिक्षा के दौरान विविध लक्ष्य थे, वह शासकों को बदलने के साथ साथ बदल रहे थे। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक सिद्धांत, देखो मध्यकाल में भी धार्मिक शिक्षा ही है, जिन्होंने लक्ष्य अध्ययन की विषय वस्तु था, यहाँ तक कि छात्रों की दैनिक जीवन में आकार देते थे। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था का काफी प्रसार था मध्यकाल में। किस प्रकार से शिक्षा है, शिक्षा पर मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं कि हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था का क्या है, हमें प्रसार देखने को मिलता है। शिक्षा शासकों द्वारा राजनीतिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए तथा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षित कर्मचारियों के लिए, देखो अगर आप बात करोगे जो मध्यकाल में शिक्षा दी जाती थी, इसलिए शिक्षा दी जाती थी ताकि शासन प्रशासन को चलाने के लिए लोग मिल सके, इसलिए शिक्षा होती थी। अगर मध्यकाल की शिक्षा, मध्यकाल में अगर आप देखें इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, इस्लामिक कानूनों की, इस्लामिक रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी, यानी मुस्लिम जो कानून है, मुस्लिम जो सामाजिक रीति रिवाज है, मुस्लिम की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए शिक्षा के लक्ष्य छात्रों को कुरान की आयतें और इस्लामिक संस्कृति से परिचय, देखो इस मध्यकाल में अगर आप देखोगे तो कुरान की शिक्षा दी जाती थी, क्या है, कुरान, ठीक है, और कुरान में जो आयतें हैं और इस्लामिक संस्कृति से परिचित कराना था। सामाजिक और नैतिक आचार की शिक्षा भी दी जाती थी, जिसमें खास तौर से लोगों को मुस्लिम शिक्षा के माध्यम से मुसलमान कानूनों को तथा पवित्र कुरान के बारे में, शरीयतों के बारे में बताया जाता था। तो मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो कुरान की शिक्षा है, पवित्र कुरान की शिक्षा है, मुस्लिम शिक्षा है और शरीयत के बारे में बताया जाता था। इसमें दीक्षा संस्कार भी होते थे। दीक्षा संस्कार को बिस्मिल्ला खानी कहा जाता था। इसका अर्थ होता बच्चों को ईश्वर के आह्वान के बाद शिक्षा में प्रस्तुत किया जाता था। क्या होता, इस समय अगर आप देखोगे तो मुस्लिम शिक्षा के हमें दिखाई देते हैं। इस समय जो शिक्षा होती थी कहाँ कहाँ दी जाती थी, खास तौर से मकतबा यानी प्राथमिक शिक्षा मकतबा में प्रदान की जाती थी। वैसे प्राथमिक विद्यालय थे जो मस्जिद से, देखो भाई मध्यकाल में शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी, मस्जिद जो होती थी, होती नहीं मस्जिद, मुसलमानों में मस्जिद होती, तो जो मस्जिद होती थी उसमें शिक्षा दी जाती थी। व्यक्तियों को तीन प्रकार की, जैसे रीडिंग, पढ़ना यानी लिखना, गणित की भी शिक्षा आप देखेंगे मस्जिद में दी जाती थी, ठीक है। दूसरा शिक्षा अगर आप देखेंगे मदरसे में, उच्च शिक्षा के लिए मदरसों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदरसे में भेजा जाता था। मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे जिसमें शाही परिवार का संरक्षण था, वहां अलग अलग विषयों की के शिक्षक होते थे मदरसे में। और इस समय शिक्षण की कौन कौन सी, इस समय कह सकते हैं कि रटना शिक्षण विधि थी, यानी लोगों को रटाया जाता था। शिक्षण संस्थाओं में रटने के बाद याद कराने का अभ्यास, इस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी, बच्चों को रटाया जाता था और उनको याद कराया जाता था, भाई मेरे मध्यकाल में, ठीक है, जब मुस्लिम शासक थे। इस समय की
पाठ्यचर्या क्या है, यानी सिलेबस क्या होता था, यानी क्या पढ़ाया जाता था। अगर इस समय हम लोग पढ़ाई की बात करें, इस समय कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। दूसरा, मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में, मुस्लिम फकीरों के बारे में बच्चों की कहानियां पढ़ाई जाती थी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, इस समय धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अरबी साहित्य की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा, व्याख्यान विद्या, इतिहास की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, गणित की शिक्षा, भूगोल की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, अर्थशास्त्र की शिक्षा, ग्रीक भाषाओं के बारे में, और साथ साथ ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। अगर हम बात करें शिक्षा किस माध्यम में दी जाती थी मध्यकाल में, तो भाई मेरे मध्यकाल में जो शिक्षा थी वह फारसी भाषा में, ठीक है, किस भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में ज्यादातर शिक्षा दी जाती थी। अरबी भाषा में भी शिक्षा व्यवस्था चलती थी। अगर महिला की बात करें, मध्यकाल में महिला शिक्षा मुख्य रूप से उपस्थित रही। मध्यकाल में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। मुस्लिम काल में, इस्लामिक काल में देखोगे दौरान पर्दा व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन भारत में मुस्लिम काल के दौरान बालिका शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर। कभी कभी छोटी लड़कियों को विद्यालय में पढ़ाया जाता था, क्योंकि वह कम उम्र में विद्यालय छोड़ दी थी, इसलिए वह अपनी शिक्षा को उच्च स्तर, देखो आप देखेगा तो मध्यकाल में जो लड़कियां होती थी वह सिर्फ छोटी क्लासों तक ही पढ़ती थी, बड़ी बड़ी क्लासों में लड़कियां नहीं पढ़ती थी। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था थी उनमें काफी गिरावट हमें देखने को मिलती है, और खासतौर से उनको बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। अगर हम परीक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस समय जो परीक्षा ली जाती थी वह लिखित मही माध्यम से ली जाती थी, चर्चाओं के जरिए। देखो खास तौर से जो मध्यकाल की शिक्षा है वह इस्लामिक शिक्षा, कैसी शिक्षा है मेरे, इस्लामिक शिक्षा है, और इसमें कुरान की शिक्षा, मुस्लिम धर्म की शिक्षा कह सकते इस समय दी जाती थी, या शरीयत के बारे में लोगों को बताया जाता था, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा कब चलती थी, मध्यकाल में। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अगर बारे में बात करें तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो हमारी प्रेजेंट टाइम की शिक्षा व्यवस्था है, जब भारत में अंग्रेज आते हैं, तो भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने भारत में देखोगे बड़े बड़े कॉलेज खोलते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुलती हैं, बहुत सारे। और अंग्रेजों के आने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है, अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी। कब? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उस समय जब अंग्रेज आते हैं, उस समय की शिक्षा। अगर आप इसमें देखेंगे तो इस चीजों को मैंने पढ़ा रखा है। इस समय की शिक्षा व्यवस्था मैं बता देता हूँ, आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है, जिस समय भारत पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया था, ठीक है, जिसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे तो मैकाले का बड़ा रोल है, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसको रचयिता कौन है, मैकाले। मैकाले एक अंग्रेज था जिसने भारत में अंग्रेजी स्कूलों को खुलवाया और भारतीय लोगों को अंग्रेजी पढ़वाना शुरू किया था। ये क्या, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की हम लोग इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं। इसमें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर इसको पढ़ के जाना। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें अगर आप देखो ना, स्वतंत्र भारत के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी इसको मैंने पढ़ा, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, ठीक है, उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगर आप देखेंगे तो BEsc 132 में मैंने इन चीजों को पढ़ा रखा है। आपका जो सब्जेक्ट है ना शिक्षा आयोग 64-66 में, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पंचवर्षीय योजनाओं में, ठीक है। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं आप सबको BEsc 132 वाली जो बुक है ना उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे है उसी के बारे में यहाँ पर आपको क्या करना है भाई मेरे, बताना है। लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो चौथा जो चैप्टर है हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है, ओके, अगला देख लेते हैं जो रहेगा क्या है। चैप्टर नंबर 5 क्या है, शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र, ठीक है। शास्त्र से अगर हम देखेंगे दर्शन शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरा देखेंगे इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो भाई मेरे आपका जो बनेगा मैं बता देता हूं, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है, इसमें से मैं आप हमारा जो रहेगा, चलिए अगला देख लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। देखिएगा दर्शन की कौन कौन सी शाखाएं, जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर संबंध है, क्या है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर संबंध है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को हम भाई फिलोसफी बोलते हैं, ठीक है,
फिलोसफी भी काफी, देखो दर्शन शास्त्र की क्या क्या परिभाषा है, जैसे ज्ञान क्या है, विश्व क्या है, विश्व निर्माण किसने किया है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन के लक्ष्य क्या है, मुझे क्यों जीना चाहिए, इस संसार का प्रयोजन क्या है, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, इन सभी सवालों का जो आंसर होता है वो किसमें दिया जाता है, अगर आप देखेंगे तो फिलोसफी दर्शन शास्त्र में दिया जाता है कि भाई ज्ञान क्या है, ये दुनिया क्या है, क्या भगवान है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हो रहा है, मुझे क्यों जीना चाहिए, इस संसार का प्रयोजन क्यों है, ये संस्कार क्यों बना है, ठीक है, मैंने संसार में जन्म क्यों लिया, इस प्रकार के जो क्वेश्चन के आंसर है वो किसमें दिए जाते हैं, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में, शिक्षा को लेकर के। देखो जब भी दर्शन को गंभीरता पूर्वक लिया गया है तो सदैव यह माना गया कि वह ज्ञान प्राप्ति को प्रकट करता है जो जीवन के व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है। इसको दर्शन शास्त्र के अनुभव के विषय में निष्कर्ष की बजाय अनुभव की पहुंच की आवश्यक। देखो दर्शन शास्त्र में जो है एक प्रकार से जो अनुभव होते हैं उनकी हम क्या करते हैं शिक्षा, दर्शन शास्त्र जो फिलोसफी की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें जो थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसको दर्शन शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, मूल मीमांसा है, ठीक है। तत्व मीमांसा क्या होती है, तत्व मीमांसा का मतलब होता है कि भौतिक संसार से परे विज्ञान है, नहीं अगर आप देखेंगे तो जो भौतिक संसार, ठीक है, से परे विज्ञान है। तत्व मीमांसा शब्द परम सत्य पर विमर्श करता है और भौतिक संसार से परे है, यानी सत्य। देखो तत्व मीमांसा का मतलब ये होता है कि भैया मेरे कि यह जो संसार है, संसार कुछ नहीं है बल्कि सत्य सब कुछ है। क्या है तत्व मीमांसा का मतलब, क्या होता है कि सत्य सब कुछ है, सत्य सबसे बड़ा है, बल्कि यह भौतिक संसार से परे है, ठीक है, इसको तत्व मीमांसा बोला जाता है। देखिएगा अगर विज्ञान के पश्चात प्रकृति का सार तत्व अपनी अनुभूति में कुछ आध्यात्मिक है, बहुत से दार्शनिक तत्व मीमांसा को सत्य वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। तत्व मीमांसा का मतलब कहता है कि जो सत्य और वास्तविकता का सिद्धांत है वही है तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा का अर्थ परम सत्य की यानी परम सत्य की प्रकृति का अध्ययन करना है, इसमें अस्तित्व की प्रकृति के विषय में अनुमानित सम्मिलित है, अर्थात कह सकते हैं कि सत्य क्या है पर प्रश्न उठाया गया है। ये देखो तत्व मीमांसा बताती है कि भाई सत्य क्या है, सत्य की हमें खोज करनी चाहिए, बल्कि यह जो संसार है या तो एक प्रकार से निमित मात्र है, और सत्य यानी संसार से बड़ा क्या है, सत्य है, यानी सत्य क्या है, नहीं कह सकते कि हमें परम सत्य की क्या करनी है, खोज करनी है, यही क्या है भाई मेरे, अगर आप देखेंगे तो आपकी तत्व मीमांसा है, ठीक है। तत्व मीमांसा के बाद अगला, तत्व मीमांसा के बाद अगला हमारी है ज्ञान मीमांसा। देखिएगा ज्ञान मीमांसा कहते हैं, ज्ञान मीमांसा ज्ञान के सिद्धांत को कहते हैं। दर्शन शास्त्र की यह शाखा ज्ञान की उत्पत्ति यानी ज्ञान कैसे आया है, ज्ञान का उत्पत्ति कैसे यानी ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान की विधि कैसे है, ज्ञान के मूल्य क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब हम लोग कैसे जानते हैं किसी चीज को, हम जानने की प्रक्रिया क्या होती है, विश्व को कैसे जान सकते हैं, समाज को कैसे जान सकते हैं, हम अपने अधिकारों को कैसे जान सकते हैं, ठीक है, ये सारी क्या है ज्ञान मीमांसा है। यानी जो ज्ञान है ये क्या ज्ञान दैवीय रूप में प्रकट हुआ है, क्या ज्ञान अनुभव के जरिए प्राप्त किया जाता है, क्या ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है, क्या ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, इस प्रकार की जो हमारे मन में विचार आते हैं वही क्या होती है भाई मेरे ज्ञान मीमांसा होती है। क्या होती है वही हमारी ज्ञान मीमांसा होती है। तो ज्ञान मीमांसा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो अगला जो हमारी रहेगी ज्ञान मीमांसा के बाद है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसे परिवर्तन या मूल्य परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल्य मीमांसा का उद्भव नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के रूप में हुआ है। नीति शास्त्र यानी नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, सौंदर्य शास्त्र यानी सौंदर्य और कला का। देखो मूल्य मीमांसा यानी किसी चीज का जो मूल्य होता है, ठीक है, हम मूल्यों की बात करते हैं। मूल्य का मतलब होता है कि भाई हमारा नैतिक मूल्य क्या है, ठीक है, यानी दूसरा सौंदर्य का मूल्य जो प्रकृति है उसकी सुंदरता। जैसे अगर आप देखेंगे सौंदर्य में देखेंगे तो सौंदर्य और कला में आता था, जैसे संगीत कला है, नाटक कला है, नृत्य कला है, ठीक है, या अन्य जो कलाएं होती हैं। और मूल्य का मतलब होता है यानी हम लोगों में कौन कौन से आचार होने चाहिए, किस प्रकार से विचार होने चाहिए, हमें किस प्रकार से बात, यही क्या होती है मूल्य मीमांसा। क्या होती है मूल्य मीमांसा, यानी हम लोगों में किस किस प्रकार के मूल्य होने चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मूल्य मीमांसा, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है जैसे दर्शन शास्त्र और शिक्षा। देखो दर्शन एक क्या है फिलोसफी हम जिसको बोलते हैं, जो खास तौर से आपको किसी विषय पर एक प्रकार से एक कह सकते हो एक धार्मिक टाइप से कह सकते हो
ये आपको विचार विमर्श करने का तरीका सिखाता है, यानी शिक्षा में जो दर्शन है। ठीक है, अगला देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, जो पूछा जा सकता है, शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र में अंतर संबंध, यानी दोनों में संबंध क्या है। देखो, शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र के मध्य विमर्श से पूर्व अवधारणा समझ जाए, यानी शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या अंतर संबंध है। दर्शन शास्त्र का शिक्षा से पूरक एवं अभिन्न संबंध है। विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत एवं नियम बार बार शिक्षा को क्रियान्वित करने हेतु शैक्षिक, देखो आप देखेंगे तो कह रहे हैं शिक्षा और दर्शन शास्त्र में बहुत ज्यादा संबंध है। दर्शन मानव विकास का साधन है। देखो दर्शन के जरिए क्या हो सकता है, दर्शन शास्त्र के जरिए, फिलोसफी के जरिए क्या हो सकता है, मानव का विकास हो सकता है। दर्शन मानव के जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। जो दर्शन शास्त्र होता है ना, जो फिलोसफी होती है, मानव के हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, इसको निर्धारित कौन करता है, दर्शन शास्त्र ही करता है। शिक्षा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन है, भूमिका का यानी कह सकते कि देखो ये कह रहे हैं कि दर्शन और शिक्षा में कैसे संबंध है। देखो ये कह रहे हैं कि जो दर्शन होता है वो व्यक्ति के विकास में सहायक है। दूसरा क्या, दर्शन ही व्यक्ति के विकास का निर्धारित करता है, उसके कौन कौन से लक्ष्य होंगे। और हाँ, व्यक्ति का विकास कैसे होगा, वो शिक्षा के जरिए होगा। और दर्शन ये बताता है कि व्यक्ति का विकास के कौन कौन से साधन है और व्यक्ति अपना विकास कैसे कर सकता है। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र यानी जो फिलोसफी है, जो शिक्षा है, उसमें एक प्रकार से हमें क्या पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। दर्शन के जरिए हम प्रकृति को समझ सकते हैं, दर्शन के जरिए हम सत्य को जान सकते हैं। और सत्य को कैसे जाना सकता है, जाना जा सकता भाई, भाई किससे जैसा, शिक्षा के जरिए ही जाना जा सकता है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र और शिक्षा में किस प्रकार से अंतर संबंध है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास तौर से आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, पूछ जरूर सकते हैं, खासतौर से आपका जो पांचवा चैप्टर ना, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है विचारधाराएं। ठीक है, कौन कौन सी विचारधाराएं शिक्षा को लेकर के, खास तौर से जिसमें हम आदर्शवाद और यथार्थवाद को देखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आदर्शवाद और यथार्थवाद। मानवतावाद क्या होता है, मानवतावाद भी देखेंगे, अस्तित्ववाद। ठीक है, एग्जाम में आ भी चुका है, आप लोगों ने मुझे बोला भी था किसको बताने के लिए। देखो सबसे पहले आदर्शवाद क्या हो और यथार्थ, आदर्शवाद का मतलब होता है आदर्श। देखो आदर्शवाद क्या है, आदर्श शब्द की उत्पत्ति आइडियलिज्म से हुई, जिसका अर्थ है विचार का सिद्धांत, क्योंकि इसके उच्चारण करना कठिन है, जिसमें सा जोड़ा गया है। ठीक है, आदर्शवाद, आदर्शवाद एक विचारधारा है जो आध्यात्मिकता की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। आदर्शवाद एक प्रकार से शाश्वत दुनिया की बात करती है। आदर्शवाद हमारी भावनाओं का, विचारों का, यानी आदर्शों के मूल्यों को बताती है। देखो आदर्शवाद का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी व्यक्ति कैसे होगा, एक आदर्शवादी महिला कैसे होगी, एक आदर्शवादी पति कैसे होगा, एक आदर्शवादी बेटा कैसे होगा, यही तो आदर्शवाद है। आइडियलिज्म किसको बोलते हैं, एक अच्छा शिक्षक क्या होगा, एक आदर्शवादी विद्यार्थी कैसे होगा, यही तो आदर्शवाद है। क्या है, यही तो आदर्शवाद है। आदर्शवाद हमें यही बताता है कि एक आदर्शवादी नागरिक कैसे होगा, एक आदर्शवादी टीचर कैसे होगा, एक आदर्शवादी विद्यार्थी कैसे होगा, एक आदर्शवादी माँ कैसी होती है। हम जो माँ की कल्पना करते हैं कि माँ ऐसी होनी चाहिए, वही तो आदर्शवाद है। क्या है कि भाई एक आदर्शवादी पिता, आदर्शवाद क्या है, आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म ये बताता है कि हम जो सबसे बेस्ट सोचते हैं वही तो आदर्शवाद है। यानी हम किसी करेक्टर में जो मूल्यों की बात करते हैं वही तो आदर्शवाद है। आइडियलिज्म जिसकी बात करते हैं, बेहतर क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, वही क्या हमारा होता, आदर्शवाद होता। देखो आदर्शवाद एक प्रकार से बताता है कि उसमें अच्छाइयों को देखता है, क्या देखता है, उसमें अच्छाइयों को देखता है। एक अच्छी माँ कैसी हो सकती है, एक अच्छा पिता कैसे हो सकता है, एक अच्छा भाई कैसे हो सकता है, ठीक है, एक अच्छी पत्नी कैसी हो सकती है, एक अच्छा टीचर कैसे हो सकता है, और एक अच्छा विद्यार्थी कैसे हो सकता है, यही तो आदर्शवाद है। ठीक है, क्या है, यही आदर्शवाद है। आदर्श संसार के दो रूप है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, दो होता ना, एक तो आध्यात्मिक जगत होता है, दूसरा यानी जो आध्यात्मिक यानी दूसरा भौतिक होता। तो आदर्शवाद हमें ये बताता है कि बेस्ट क्या है, आदर्श वही तो होता, आदर्शवाद तो ही बेस्ट क्या, जैसे एक अच्छा टीचर क्या हो सकता है, तो आदर्श बता के भाई फलाना यानी ए गुण होंगे तो अच्छा टीचर है। जिसे मैंने बोला कि एक आदर्शवादी माँ कैसी होगी, तो तुम बताओगे कि माँ में ये चार पांच बातें, अगर ये चार पांच बातें उस माँ में है तो क्या होगी, वो आदर्शवादी माँ होगी। यही क्या होता, आइडियलिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, आदर्शवाद बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे आदर्शवाद के बाद, अगला क्या, यथार्थवाद। यथार्थवाद हम जिसको बोलते हैं रियलिज्म,
ठीक है, यानी क्या जो सत्य है उसको हम रियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, वो यथार्थवाद है। जो आदर्शवाद तो कहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, जैसे हमने बात किया कि टीचर कैसे होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, ये तो आपने बता दिया आपके पास, लेकिन रियलिटी में क्या है, सच्चाई में क्या है, वही तो यथार्थवाद है। धरातल पे क्या है भाई, आज हमारे देश की समस्या क्या है, आज टीचर कैसे हैं, आज विद्यार्थी कैसे हैं, एक पिता कैसा है, एक माँ कैसी है, वही तो यथार्थवाद है। यथार्थ का मतलब रियल, रियलिज्म, रियल में क्या है। आदर्शवाद एक प्रकार से हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, आदर्शवाद बताता है भैया ऐसे पिता होने चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे माता पिता होने चाहिए, ऐसे विद्यार्थी होना चाहिए, ये आदर्शवाद है। यथार्थवाद क्या है, जो सच में रियल में जो है, जो सच्चाई में हमें दिख रहे हैं धरातल, वही होता क्या होता है, हमारा यथार्थवाद होता। जैसे तुम बोलते नहीं कि जैसे बहुत सारे लोगों का भाई चेहरा नकाब से उतर जाता है तो पता चलता कि रियल में थे क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता ना, तो ये यथार्थवाद है। यथार्थवाद का मतलब होता है कि आज के समय में सच क्या है, वही यथार्थवाद है, रियलिज्म जिसको हम बोलते हैं ना। अरस्तु यथार्थवाद का जन्म देता, उसका मानना वास्तविकता मानव से स्वतंत्र है, अंतिम वास्तविकता भौतिक वस्तु की दुनिया है जिसका ध्यान शरीर वस्तुओं। देखो यथार्थ का मतलब होता है कि जो सत्य है उसकी बात करता है, और जो अगर आप देखेंगे जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद बताता है ऐसा होना चाहिए, कोई भी चीज हर चीज में होता है फलाना ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, बातें बहुत करता है। आदर्शवाद रियलिटी नहीं है, आदर्शवाद कहता है ऐसा होना चाहिए, भविष्य में ऐसा होगा या ये बेहतर हो सकता है। और जो अगर आप देखेंगे जो अगर जैसे हम लोगों ने बात किया है यथार्थवाद, यथार्थवाद कहता है भाई जो रियल में है उसकी बात करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यथार्थवाद बोलते हैं, जो सच में हमारे सामने है। भाई जैसे मैं बोलूं एक पुलिस वाला कैसे, एक पुलिस वाला सच में रियल में देखो तो भ्रष्ट है, करप्ट है, रिश्वत लेता है। अब बोले आदर्शवाद में चलोगे तो बोलेंगे एक पुलिस वाला कैसे होने, जो लोगों की मदद करे, जो लोगों की हेल्प करे, ये आदर्शवादी पुलिस वाला है। और यथार्थ में क्या, जो हम दिख रहा है, एक आदर्शवादी टीचर क्या है, आदर्शवादी टीचर की जब बात करें, एक आदर्शवादी टीचर कैसे होगा भाई, वो बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों के विकास पर ध्यान दे, लेकिन रियल में आज के टीचर क्या है, पढ़ाता ही नहीं है, वो तो पैसा पैसा लगा है, तो ये क्या है, यही तो यथार्थवाद है। यथार्थवाद रियलिटी की बात करता है, रियलिज्म जिसको हम बोलते हैं कि सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, रियल में क्या है, वो किसको कौन बताता है, रियलिज्म बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यथार्थवाद, सच क्या है या पर मौजूदा। और यानी जो आदर्शवाद है वो बेस्ट क्या हो सकता है उसकी बात करता है, ठीक है। और यथार्थवाद जो चीज है वो उसकी बात उसको बताता है, सच में भाई यही है वो, यानी कह सकते हैं कि आदर्शवाद, यानी कह सकते हैं एक प्रकार की ख्याली पुलाव है जो कहता है कि ऐसा होना चाहिए, और यथार्थवाद बताता है धरातल पे जो सच्चाई की बात करता है, ठीक है, इसको आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इसमें जो रहेगा, अगला जो हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो यथार्थवाद है और दूसरा व्यवहारवाद का, व्यवहार का नहीं, हमारा जो व्यवहार होता है उसके बोलते हैं हम लोग व्यवहार। यह एक विचारधारा केवल जो चीजों के स्थितियों को स्वीकार करता है या अनुभव या अवलोकन करता है। देखो व्यवहार का मतलब यानी हम लोगों का जो आपस में व्यवहार होता है, ठीक है, उसको व्यवहारवाद बोलते हैं, ठीक है। व्यवहार में क्या है, यानी उसका प्रेजेंट टाइम में बोलचाल में क्या है या उठने बैठने में क्या है, वो व्यवहारिक चीज क्या है। जैसे आज बोलेंगे कि टीचर कैसा, व्यवहारिक रूप में टीचर कैसा है, व्यवहारिक रूप में स्टूडेंट कैसा है, व्यवहार उसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद बोलते हैं। व्यवहारवाद का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट टाइम में जैसा चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद कह सकते हो कि एक विकासशील है, जो लगातार चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन है उसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद। क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद, जो परिवर्तन आता रहता है, जो चेंज आता रहता है उसको हम व्यवहारवाद बोलते हैं, ठीक है। अस्तित्ववाद, यानी आगे इस चीज का अस्तित्व क्या होगा, इन फ्यूचर क्या है, किसी भी चीज का फ्यूचर क्या है उसको हम बोलते हैं अस्तित्ववाद। क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज का फ्यूचर क्या, भविष्य क्या है उसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज चाहे शिक्षा हो चाहे कोई चीज हो उसको, अगर उसको क्या बोले, अस्तित्ववाद। यानी अस्तित्ववाद कह सकते हैं अस्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है, दर्शन के भीतर कई निर्धारक है, ठीक है, ये अस्तित्ववाद होता है। यानी इस चीज का अस्तित्व क्या है, आने वाले समय में इसकी कितना योग्यता रहेगी, कितने ये अस्तित्व। और व्यवहारवाद कहेंगे एक प्रकार से कहता है कि प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, ठीक है, वो व्यवहारवाद है, ठीक है। अस्तित्ववाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बताता है कि आने वाले समय में चीज ऐसी होगी, आने वाले समय में ऐसा होगा, वो उसको बताता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें कम से कम कह सकते हैं कि एक थ्योरी आ सकती है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा इसको बस शिक्षा से जोड़ देना है, बाकी
इसको हेडिंग बना करके सारा क्या कर देना है, आप सबको लिख देना है। इसी के साथ आज जो हमारा रहेगा भाई मेरे चैप्टर नंबर 7 भी समाप्त हो गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो हमारा क्या है चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा। 6 समाप्त होगा, 7 आएगा भाई। ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्रियों का योगदान क्या है, यानी शिक्षा में जो भारतीय दर्शन शास्त्री उनका क्या योगदान है। तो दर्शन में अगर आप देखोगे तो भाई स्वामी विवेकानंद का तो अगर आप देखेंगे शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान है, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का और अरविंद घोष का। ठीक है, खासतौर से हम कुछ लोग हैं जिसे विवेकानंद जी है ना, उनका शिक्षा में एक प्रकार से धार्मिक शिक्षा में बड़ा रोल रहा। किसका? विवेकानंद का। आप सबने पूरा गया कि जो शिकागो में जाकर के, अमेरिका में जाकर के उन्होंने भाषण दिया था हिंदू धर्म को लेकर के, जो उन्होंने बात किया था। और उसी के बाद अगर आप देखो किस प्रकार से हिंदू धर्म का, अमेरिका के शिकागो में जाकर के जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और स्वामी विवेकानंद जाकर के उन्होंने वहां पर शिक्षा को लेकर के बात किया था और शिक्षा खासतौर से हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने जो बातें बताई थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद सिर्फ हिंदू धर्म के शिक्षक नहीं थे बल्कि वो एक विज्ञान की शिक्षा, एक टीचर कैसे होना चाहिए, विद्यार्थी कैसे होना चाहिए, इस सभी चीजें अगर आप देखेंगे तो किसने, विवेकानंद जी ने बताई है ना। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी का भी शिक्षा पर एक नया दर्शन था, जो एक प्रकार से कहते हैं शिक्षा इस प्रकार से नहीं। महात्मा गांधी शिक्षा को एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, यानी हमारे जो गांव है, जो विलेज है, वहां पर महात्मा गांधी की शिक्षा में अगर आप देखो महिलाओं की शिक्षा का भी एक बड़ा रोल हमको दिखाई देता। तो महात्मा गांधी शिक्षा को लेकर के क्या कहते थे, ठीक है, या महात्मा गांधी की शिक्षा को लेकर के क्या उद्देश्य है, उनका उद्देश्य यही होता था कि भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का विकास हो, साथ ही साथ समाज का विकास हो और देश का विकास हो। महात्मा गांधी अगर शिक्षा की बात करें तो सत्य होना चाहिए, भाई शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि व्यक्ति में सत्य आए, अहिंसा हो, ठीक है, अहिंसक बने, ये महात्मा गांधी शिक्षा के विचार है खासतौर से। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से शिक्षा ताकि लोगों में राष्ट्रवाद का जन्म हो, ठीक है, या देशभक्ति की भावना उनमें उड़े। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा को लेकर के यही विचार था, वो राष्ट्रवादी बातें करते थे, क्या है, नेशनलिज्म को लेकर के बातें करते थे, राष्ट्रवादी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगर मैं कृष्णमूर्ति की बात करूं तो कृष्णमूर्ति थोड़ा धार्मिक शिक्षा की बात करते थे, ठीक है, किस कैसी शिक्षा होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा के सपोर्टर हैं, ठीक है, रिलीजियस होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे अरविंद घोष की बात करूं तो अरविंद घोष भी एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो अरविंद घोष की वही है, एक प्रकार से देशभक्ति या राष्ट्रवाद की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे लोग खासतौर से अगर मैं इंपॉर्टेंट इसमें बात करूँ ना, जैसे स्वामी विवेकानंद पर के भाई शिक्षक, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, या उन्होंने शिक्षा को लेकर के अध्यापक कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होने, उन्हें क्या बताया है। साथ ही साथ आपका महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पर शिक्षा के विचार क्या है, ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ठीक है भाई, महात्मा गांधी शिक्षा का उद्देश्य यही था कि भाई एक प्रकार से आत्मनिर्भर बने। ठीक है, महात्मा गांधी तो लोगों को जाके जगाते थे, बताते थे, क्योंकि उस समय के एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जब शिक्षा के उद्देश्य हैं तो उनके शिक्षा का उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि भाई स्वतंत्र भारत में आजादी हो सके। उनका शिक्षा का उद्देश्य यही है कि एक प्रकार से सत्य अहिंसा की वो बातें करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की पूरी तरह से राष्ट्रवादी शिक्षा की बात करते, क्या है, राष्ट्रवादी शिक्षा की बात करते अगर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कम से कम कह सकता हूँ कि आपका जो 7वां चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। नंबर 8 क्या है, पाश्चात्य दर्शन शास्त्रीय में शिक्षा के योगदान। पाश्चात्य का मतलब यानी जो विदेशी हैं, ठीक है, जो खास यूरोप के लोग हैं, यूरोप के जो बड़े बड़े विचारक हैं, जो बड़े बड़े लोग, उनने शिक्षा को लेकर के क्या बात है। तो जैसे प्लेटो, अगर मैं प्लेटो की बात करूँ तो प्लेटो एक प्रकार से शिक्षा की काफी लंबी प्रक्रिया बताता है। ठीक है, वो भाई एक आदर्शवादी राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी नागरिक कैसा होना चाहिए, इस शिक्षा की बात करता कौन करता है, प्लेटो करता है। ठीक है, प्राचीन शिक्षा की बात करता है प्लेटो करता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा विचारक है। उसी प्रकार से अगर मैं रूसो की बात करूं तो रूसो आध्यात्मिक शिक्षा की बात करते थे और विज्ञान शिक्षा की बात है, विज्ञान की तरफ। ठीक है, रूसो, अगर मैं रूसो की बात करूं तो रूसो क्या, क्योंकि एक समय अगर आप देखो यूरोप में भाई ईसाई धर्म का बहुत बोलबाला था, वहां पर भी पाखंड था या धर्म में अंधविश्वास था, ये सब खूब फैला हुआ था कहां पर, यूरोप में। ठीक है, ईसाई धर्म को लेकर के पादरियों का बड़ा एक होता था। ठीक है, तो रूसो जो है विज्ञान की शिक्षा पर जोर देते थे। किसकी शिक्षा पर भाई मेरे, विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान, क्योंकि आगे चल करके ही तो वहां पर आप सबने अगर यूरोप में देखोगे तो वहां पर गैलीलियो, मार्कोनी और नए नए वैज्ञानिक आते हैं ना, तो रूसो जो है खासतौर से विज्ञान की शिक्षा पर महत्व देते हैं, बल्कि धार्मिक शिक्षा को हटा करके या ईसाइयत की शिक्षा को नहीं मानते हैं, बल्कि विज्ञान की शिक्षा को इन लोगों ने महत्व दिया है। ठीक है,
या ऐसी इस प्रकार की शिक्षा हो जिसमें प्राकृतिक नॉलेज हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम लोग अपने नेचर से भी जुड़े रहें, साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर किसका तर्क है, वो रूसो का है, विज्ञान की शिक्षा। क्योंकि एक समय अगर आप देखेंगे तो पूरी यूरोप में धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। धर्म कौन है भैया? ईसाई धर्म, ये ईसाईयत धर्म है, क्योंकि वहां पर यूरोप यूरोप में तो ईसाई धर्म चलता है, ठीक है, वो सारे ईसाई धर्म के लोग हैं, तो वहां पर ईसाई शिक्षा में बहुत सारा, जैसे हमारे हिंदू धर्म में ना बहुत सारा अंधविश्वास है या झूठ है, पाखंड है, फैला पड़ा है, तो उसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी ये सारी चीजें फैली पड़ी थी, ठीक है। तो वो लोग कहते थे विज्ञान की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दे, किस पर? ज्ञान और विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान को लेकर के रूसो जो थे वो कहते थे कि भाई एक प्रकार से धार्मिक जो शिक्षा होती है वो हमको पीछे ले जा रही, बल्कि जो ज्ञान विज्ञान की शिक्षा होगी वह सत्य तक पहुंच सकती है। सत्य तक अगर हमें पहुंचना है तो विज्ञान के जरिए सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि यानी जो विज्ञान है वही लोगों के जीवन को खुशहाल बना सकता है, बेहतर बना सकता है, बल्कि जो धार्मिक शिक्षा है वह सिर्फ हमें युद्धों की ओर ले जाती है और लड़ाइयों की ओर ले जाती है। ये रूसो की खास तौर से शिक्षा को लेकर के क्या है, विचार है। उसी प्रकार से अगर हम जॉन डीवी की बात करें या इमैनुअल कांट की बात करें, ये दोनों लोग खास तौर से अंग्रेजी शिक्षा के सपोर्टर हमको दिखाई देते हैं। इमैनुअल कांट भी उसी प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। इमैनुअल कांट और जॉन डीवी दोनों इस प्रकार से, ये भी दोनों यूरोपियन ही है, यूरोप के ही विचारक है, ठीक है। इनकी अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो अनुशासन की बात करते थे कि भाई शिक्षा में एक अनुशासन होना चाहिए, अनुशासित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और शिक्षा की, और खास तौर से ईसाईयत की शिक्षा पर भी जॉन डेवी का मत था। अगर मैं इमैनुअल कांट की बात करूं तो इमैनुअल कांट जो है यह वैज्ञानिक शिक्षा के सपोर्टर है, विज्ञान की शिक्षा के विचारक है, किसकी? भाई विज्ञान में शिक्षा हो। देखो अगर मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप में ज्यादातर जो दर्शन शास्त्र है सिर्फ प्लेटो को छोड़ करके, क्योंकि प्लेटो विज्ञान की बात नहीं करता है, प्लेटो अगर आप देखो राजनीतिक शिक्षा की बात करता है, सामाजिक शिक्षा की बात करता है, प्लेटो क्या है, राजनीतिक शिक्षा की बात करता है, क्योंकि प्लेटो भी अगर आप देखो तो एक प्रकार से पॉलिटिकल थिंकर में आते हैं, राजनीतिक विचारक हैं, तो राजनीति की बात करता है, यानी अधिकारों की बात करता है, कि यानी नागरिकों को अधिकार मिले चाहे नागरिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप रूसो की बात करेंगे, रूसो है या जॉन डेवी है, खासतौर रूसो और इमैनुअल कांट, ये दोनों लोग विज्ञान की शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल देते, किस पर भाई? विज्ञान की शिक्षा पर महत्व देना चाहिए और वैज्ञानिक शिक्षा को ज्यादा बल देना चाहिए, उस पर उनका योगदान हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, जो अगला अगला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या है चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा? शिक्षा और समाज, यानी शिक्षा किस प्रकार से हमारे समाज सामाजिक विकास में क्या करती है, मदद करती है। भाई शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में, शिक्षा के जरिए क्या होता है भाई, समाज का विकास होता ना, समाज भी तो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे शिक्षा का संचार होता समाज में बदलाव होता, समाज में बहुत सारे बदलाव होते हैं, सामाजिक प्रक्रिया में समाज का जो प्रोसेस, भाई समाज के जब नागरिक पढ़े होंगे तो समाज का विकास होगा, साथ ही साथ समाज में जो नई नई प्रक्रिया, समाज में अगर आप देखेंगे तो संस्कृति का विकास होगा, सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, समाज को एक बेहतर नागरिक मिलेगा। तो भाई जो शिक्षा क्या करती है, एक सामाजिक परिवर्तन भी तो लाती है, क्या है शिक्षा की समाज में तो क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है, क्या है, बहुत बड़ी भूमिका ना। शिक्षा क्या करती है, समाज में परिवर्तन लाती है, समाज में क्या करती है, बदलाव को लेकर के आती है ना। अगर विकास की प्रक्रिया के रूप में है भाई, अगर समाज को विकसित होना शिक्षा के जरिए क्या हो सकता है, समाज विकसित हो सकता है। बोल नहीं जाता एक पढ़ा लिखा समाज ही बेहतर समाज होता है, एक पढ़ा लिखा समाज ही क्या करता है कि उसमें वही परिवर्तन आते हैं ना। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा रहेगा तो उसमें क्या आएंगे, धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे, और समाज में क्या सभ्यता रहेगी, संस्कार रहेंगे, लोगों को आचार विचार, उठना बैठना, खाना पीना, इस प्रकार के मूल्य समाज को कहां से मिलेंगे, शिक्षा के जरिए ही तो मिलते हैं। समाज में भाई अहिंसा है, समाज में सत्य है, समाज में भाईचारा बना रहे, इसके लिए क्या, इसके लिए, इसी के लिए तो शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है भाई, समाज में सत्य रहे, ईमानदारी रहे, ठीक है, लोग भ्रष्ट न रहे, लोग करप्ट न रहे, इसका ही तो सबसे बड़ा महत्व है। खास तौर से अगर हम लोग समाज की बात करें, सोसाइटी में देखो समाज में उपतंत्र के रूप में शिक्षा है। उपतंत्र का मतलब एक तंत्र, नहीं, जो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्थिर जीवन प्राप्त करती है। भाई अगर समाज में अगर समाज का व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो उसको क्या बनाती है, स्थिर जीवन देती है, ठीक है। शैक्षिक व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से जटिल होती है। एक शिक्षा इस संबंध में, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों को समाज में लगातार बदलते पहलुओं को अनुकूल बनाती है। भाई
जो अगर समाज के लोग अगर शिक्षित रहेंगे ना, तो समाज में जो बदलाव होगा वह उनके अनुकूल ढल जाएंगे, या शिक्षा में जो बदलाव होगा समाज उसके अनुसार ढल जाता है। तो क्या है कि जो शिक्षा होती है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके जरिए समाज को, देखो अगर मान लो शिक्षा में समाज में अगर कोई बदलाव होता, अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो वह समाज में क्या होगा, धीरे धीरे ढल जाएगा। व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने में कह सकते हो कि क्या है, शिक्षा की भी क्या है एक बहमे बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। तो शिक्षा एक प्रकार से क्या करती है, हमारे हमारी सामाजिकरण में एक बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर हम इसकी अवधारणा की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन, भाई समाज में जो परिवर्तन, जैसे अब समाज में क्या परिवर्तन, जैसे समाज में अगर आप देखेंगे, जैसे देखोगे धर्म में कोई परिवर्तन है, ठीक है, समाज में उठने बैठने में, रहन सहन में, खान पीन में, पूजा पाठ में, इन प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं, अगर शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो इन परिवर्तनों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा या जल्दी स्वीकार कर लेगा ना। वही समाज की प्रकृति का, समाज समय समय पर, समाज कभी एक जैसा नहीं रहा, समाज में समय समय पर बदलाव है, और समाज का जो बदलाव है उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है, कौन बताती है, शिक्षा बताती है, और शिक्षा में भी दो बदलाव होते हैं। तो क्या शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन दोनों एक साथ चलते हैं। भाई अगर समाज में बदलाव होगा शिक्षा में बदलाव होगा, अगर आपकी शिक्षा में बदलाव होगा तो आपके समाज में भी वो बदलाव देखने को मिलता है। तो समाज को एक प्रकार से जो शिक्षित करती है शिक्षा करती है, और सामाजिक सामाजिक बदलाव का कारण भी शिक्षा बनती है कि भाई अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा रहेगा तो समाज में समय समय पर क्या बदलाव होते रहेंगे। अगर हमारा समाज वैज्ञानिक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, तो हमारा समाज में जो अंधविश्वास है, जो आडंबर है, जो पाखंड है, वो धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, और समाज में वैज्ञानिकता आएगी। ठीक है, समाज धीरे धीरे एक प्रकार से रोजगार समाज की ओर जाएगा, और समाज में सत्य, अहिंसा, भाईचारा, इस प्रकार की भावना जो होंगी वो हमारे समाज में धीरे धीरे स्थापित होंगी ना। अगर हमारा समाज शिक्षित रहेगा तो भाई शिक्षा क्या, शिक्षा पूरी तरह से कह सकते हैं समाज को बदल के रख देती है, या समाज में बड़े परिवर्तन कौन करती है, शिक्षा ही तो करती है। शिक्षा के जरिए ही कह सकता है बड़े सामाजिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगर आप सबको एक बताओ, हमारे एक समय हमारे हमारे समाज में क्या थे, भाई सती प्रथा थी, बाल विवाह होता था, सती प्रथा नहीं चलती थी जिसमें लड़कियों को उसके पति के साथ जला दिया जाता जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। तो सती प्रथा हमारे देश में बंद हुई, क्यों बंद हुई, क्योंकि जब हमारा समाज शिक्षित हुआ, पढ़ा लिखा समाज हुआ, तब उस प्रकार की प्रथा बंद हो गई। जैसे दहेज हत्या है, या कह सकती हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या है, इस प्रकार की जो सामाजिक समस्या है कब दूर हो सकती है, जब धीरे जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होगा तो समाज में जो बुराइयां हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, वह भी तो खत्म होती है। क्या है? जो शिक्षा होती है वह सामाजिक जो बुराइयां होती है, जो कुरीतियां होती हैं, उनको भी खत्म करने में क्या करता है, एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, समाज में जो कोई भी समस्या होगी, हर सामाजिक समस्या को एक प्रकार से हम शिक्षा के जरिए समाप्त कर, समाज में जागरूकता लाती है। क्या है, समाज में कह सकते हो शिक्षा कह लेती है, लोगों को जगाने का प्रयास करती, जागरूकता लाती है। ठीक है, आज बहुत समय पहले देखा तुम सबने हमारे समाज में लड़कियों के साथ कितना भेदभाव होता था, आज वह भेदभाव क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। क्यों हो रहा, क्योंकि आप धीरे धीरे जो हमारा समाज है वह शिक्षित समाज होता चला जा रहा है। ये क्या है, ये सारा परिवर्तन हमें कहां से दिखाई दे रहा है समाज में, वह शिक्षा के जरिए ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, शिक्षा एवं समाजीकरण। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे समाजीकरण के कौन कौन अभिकरण है, देखो परिवार, विद्यालय, समुदाय, संचार, साथी। देखो अगर आप देखेंगे, अगर देखो अगर हम शिक्षित रहेंगे ना तो हमारे परिवार में भी परिवर्तन आएगा, परिवार में भी क्या होगा, बदलाव आएगा, हम अपने परिवार में भी घुल मिल पाएंगे, परिवार का भी क्या होता है, विकास होता है अगर हम शिक्षित रहेंगे। ठीक है, यानी अगर हमारा समाज शिक्षित रहेगा, भाई अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा है तो हमारे परिवार पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारा परिवार पढ़ा, भाई हर परिवार अगर धीरे धीरे पढ़ा लिखा होता चले जाएगा तो समाज में बदलाव होगा, अगर समाज पढ़ा लिखा रहेगा तो उसका प्रभाव क्या है, हमारे परिवार पर भी पड़ता है। क्या पड़ता, पड़ता है ना परिवार पर। भाई अगर समाज में कोई बदलाव होता है, वो बदलाव का जो प्रभाव होता है वो हमारे घर परिवारों पर भी पड़ता है। अगर हमारे घर परिवार में कोई बदलाव हो रहा, अगर हमारे घर परिवार में कोई परिवर्तन है तो उसका प्रभाव हमारे समाज पर भी दिखाई देता है। विद्यालय और समाजीकरण क्या है कि भाई जो विद्यालय का प्रभाव होता है वह हमारे समाज पर दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट दिखता है। विद्यालय में जो परिवर्तन होता है, विद्यालय में जैसे शिक्षा है, जैसे एजुकेशन है, वह समाज को बदलती है। सिंपल सी बात है कि भाई विद्यालय में जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे लिखाया जाता है, उससे भी क्या होता, समाजीकरण ही तो होता है। विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है उससे भी क्या होता, समाज में बदलाव आता है ना, समाज में चेंज आता है ना। जो विद्यालय शिक्षा है, जो स्कूल एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है, वह तो समाज को बदलने में उसने तो बड़ी भूमिका निभाई। समाज में इतनी सारी कुरीतियां थी, इतनी सारी बुराइयां थी,
या समाज में जातिवाद था, छुआछूत था, ये सारी चीजें कैसे समझते, क्योंकि हमने विद्यालय शिक्षा को बढ़ा दिया ना, क्योंकि हम लोगों को किताबों में पढ़ा रहे ना, बुकों में पढ़ा रहे हैं भाई छुआछूत नहीं करना चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। क्या विद्यालय शिक्षा ने तो समाज में परिवर्तन लाया, उसी प्रकार से समुदाय में, हमारा जो समुदाय होता है, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, हमारा कोई समुदाय है, आप देखो जैसे एनजीओ है, ठीक है, हमारा जो घर परिवार है, हमारे आसपास की गली मोहल्ले हैं, इनमें जब परिवर्तन था, उससे भी हमारे समाज में परिवर्तन होता है। अगर आप आज जो संचार के साधन है, देखो आज जब से लैपटॉप हो गया, जब से इंटरनेट आ गया, जब से देखो ऑनलाइन सिस्टम आ गए हैं, जब से टेलीविजन आ गया, जब से रेडियो, तब से देखो हमारे समाज में कितना बदला, समाज में कितनी जागरूकता आ गई है। आप देखो आज भाई जब से संचार के साधन आ गए हैं, जैसे रेडियो है, अखबार है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, आज मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गए, जो तमाम तरह के गैजेट्स आ गए हैं, अब देखो समाज में कितना बदलाव आ गया है भाई, समाज बदला ना इन संचार साधनों के आने से। अब देखो समाज में जागरूकता बड़ी जल्दी आ जाती है, समाज में कोई अगर संदेश देना है बड़ी जल्दी पहुंच जाता है, या सामाजिक जो परिवर्तन है वह संचार के जरिए बहुत आसान हो गया है। साथी समूह यानी जो फ्रेंड सर्कल है, उस पर भी प्रभाव पड़ता समाज का, या समाज पर भी उसका हमारा क्या होता प्रभाव पड़ता ना, जो हमारा सामाजिकरण होता, जो हमारा साथी समूह का मतलब जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारा मित्र ग्रुप था, जो जिसको बोलते हैं ना जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसकी बात करते हैं, साथी समूह की बात करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें दे रखा है, अगर आप देखेंगे ना, बच्चों के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक भाई, ऐसे कौन कौन से जो बच्चों के सामाजिकरण को प्रभावित कर सकते हैं, एक तो एजुकेशन कर सकती है, शिक्षा, अगर बच्चे में धूम्रपान करता है उससे भी हमारा समाज प्रभावित होता है, अगर बच्चे में अगर एक प्रकार से कुछ गलत आदतें हैं उससे भी हमारे समाज पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है, अगर बच्चे में कुछ सुनने की समझने की अगर इस प्रकार की कोई समस्या है उससे भी हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या हो सकती है प्रभावित हो सकती है, बच्चे में अगर कोई गुण है दोष है उससे भी क्या होता है हमारे समाज पर क्या एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है ना, तो ये सारी चीजें क्या करती है एक प्रकार से हमारे सामाजिकरण को भी क्या करती है प्रभावित करती है, बच्चों को सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक यही है, ठीक है, इन कारणों से क्या है कि थोड़ा बहुत वो परिवर्तन आता है, ठीक है। दसवां चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासतौर से सामाजिकरण की अभिकरण, ये आपसे जो पूछेगा ना 10.5 जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई मेरे, क्या है 10.5 अगर आप देखेंगे ना, बच्चों के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है। क्या है चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा, शिक्षा में मुद्दे और चिंताएं, ठीक है, इसमें जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें जो हमारा रहेगा देखिएगा चैप्टर नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 11 जो रहेगा शिक्षा में पहुंच एवं नामांकन। देखो शिक्षा में सबसे बड़ी चिंताएं क्या, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भाई, शिक्षा में सबसे बड़ी चिंता यही आ रही है कि बच्चे एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे नामांकन का मतलब एडमिशन होता है, दाखिले होते हैं, तो शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या रहे कि बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, यानी स्कूलों तक बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, या जो बच्चे पहुंच भी रहे हैं वो ड्रॉप आउट की बड़ी समस्या, यानी विद्यालय छोड़ने की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा में। शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है अगर आप देखोगे, क्या आती है उसमें, दो चीजें आती है, एक तो बच्चों का नामांकन है, बच्चे यानी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग अगर आप देखो जो गरीब फैमिली है, जो गरीब परिवार है वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, एक तो नामांकन यानी एडमिशन नहीं लेते हैं, और जो लोग एडमिशन ले ले रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ समय पढ़ाई करते हैं और कुछ समय पढ़ाई करने के बाद वो पढ़ाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे क्या होता कि उनके विकास में बाधा पहुंचती है। तो शिक्षा में सबसे बड़ी मुद्दे क्या है और चिंता क्या है, तो मुद्दा और चिंता यही बनी हुई है कि शिक्षा में नामांकन एक तो बढ़ाने की समस्या है कि भाई आज हमारी सरकार जो है यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन बढ़े, और जो हमारे देश में ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट का मतलब विद्यालय छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना, तुम सबने सुना होगा ना कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते बीच में, आप सबने भी अगर छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो ऐसे बहुत सारे आपके बच्चे फ्रेंड रहे होंगे जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी होगी, किसी ने 10वीं में छोड़ दी, किसी ने 12वीं में छोड़ दी, किसी ने 5वीं में छोड़ दी, किसी ने 6ठी क्लास में छोड़ दी होगी, तो यानी शिक्षा में पहुंच और नामांकन। तो दूसरा बड़ी समस्या क्या है कि दूसरा बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, बहुत सारे तुमने देखा छोटे छोटे बच्चे, तुमने देखा कि नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे भीख मांगते रहते हैं, ये लोग पढ़ते ही नहीं हैं, यानी इनकी भी सरकार चाहती कि ये भी विद्यालय में जाएं, ये भी स्कूल कॉलेज में पढ़ें, तो शिक्षा में यह भी एक बहुत बड़ी चिंता है कि एक तो ड्रॉप आउट होना विद्यालय छोड़ने की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा नामांकन नहीं होना यानी दाखिले नहीं हो पा रहे हैं इस समय, दूसरा शिक्षा की अवधारणा क्या, वही शिक्षा के मुद्दे, अवधारणा का मतलब शिक्षा के क्या क्या मुद्दे हैं, वही शिक्षा तो क्या कहते हैं लोगों को,
हमारी जो सरकार है अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के जरिए क्या करना है, समाज को शिक्षित करना चाहती ना, समाज को पढ़ाना चाहती। शिक्षा की अवधारणा क्या है भाई? शिक्षा की अवधारणा एक व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा की अवधारणा क्या है? व्यक्ति का विकास करना और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, यानी व्यक्ति के राजनीतिक विकास करना, व्यक्ति का सामाजिक विकास करना, व्यक्ति का आर्थिक विकास करना, व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास करना, यही तो शिक्षा की अवधारणा है। ठीक है, शिक्षा में गुणवत्ता की जो बात करते हैं भाई, शिक्षा में गुणवत्ता है यानी एक प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो शिक्षा दी जाए एक प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन मिले लोगों को। क्वालिटी एजुकेशन में बात होती है गणित की शिक्षा मिले, विज्ञान की शिक्षा मिले, अंग्रेजी शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, ज्योतिष शिक्षा, ये सभी प्रकार की जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन इसी की बात करता है। शिक्षा में समानता, देखो भाई शिक्षा में समानता होनी चाहिए। ठीक है, क्या समानता का मतलब? बराबरी होनी चाहिए, ये नहीं कि गरीब लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, अमीर अमीर पढ़ ले रहा। शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में समानता को लेकर के। दूसरा, शिक्षा में अगर समस्या की बात करें तो भाई शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। देख रहे, फीस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, शिक्षा में शिक्षा का महंगा हो जाना। दूसरा, शिक्षा का प्राइवेट हो जाना, निजीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं ना, निजीकरण शिक्षा में भी एक बहुत बड़ी समस्या, प्राइवेट हाथों में चली गई, जिससे शिक्षा में लगातार आप देखेंगे फीस बढ़ती चली जाएगी एजुकेशन में। दूसरा, समानता सबसे भाई, अगर आप देखेंगे तो शिक्षा में अगर आप देखोगे तो जो अमीर है वह तो अपने बच्चों को पढ़ा ले रहा प्राइवेट स्कूलों में बड़े बड़े, ठीक है, विदेश में भी देखा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वह अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। यही क्या है शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या आ रही ना, असमानता है ना भाई। गरीब आज सरकारी स्कूल में जाओ, सरकारी स्कूल में टीचर सही से पढ़ाते नहीं है, ये बड़ी समस्या है। वही प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट वाले इतनी फीस लेते हैं कि गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा। तो यही यह भी तो एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या आ रही ना, क्या है यह भी, क्या है शिक्षा में समानता और समता बराबरी होनी चाहिए भाई, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, इसकी दूसरा क्या है, विविध समूहों में शिक्षा है। अगर आप देखोगे तो विविध समूह का मतलब होता है कि अलग अलग जो हमारे ग्रुप्स हैं, अगर आप देखोगे जो अमीर परिवार है उसके बच्चे ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, गरीब के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है शिक्षा में सबसे बड़ी चिंता है ना। दूसरा, अगर आप देखोगे शिक्षा का निजीकरण हो जाना, शिक्षा में अगर आप देखो कितने सारे प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या, शिक्षा का महंगा हो जाना, महंगी शिक्षा हो जाना भाई, अगर शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जाएगी तो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। आप लोग भी देखते हो ना, इग्नू पढ़ते हो, इग्नू में भी भाई लगातार आप देखोगे फीस बढ़ती चली जा रही है। वैसी बात देखो, कोचिंग की फीस है, कितनी सारी कोचिंग है, ये क्या है शिक्षा की तो सारी चिंताएं हैं, क्या है शिक्षा के मुद्दे और चिंताएं यही है। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 11, अगर 11 में पूछेगा ना तो इसको आपको क्या करना, हेडिंग बना बना के जो मैं चीजें बता रहा हूँ इनको आराम से क्या कर देना, आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला देख है क्या है, चैप्टर नंबर 12 क्या है, विद्यालय एवं समुदाय के मध्य अंतर क्रिया। देखो, खास तौर से जो शिक्षा होती है वह विद्यालय और हमारे समुदाय के बीच में अंतर क्रिया। देखो सिंपल सी बात है भाई, जो विद्यालय होता है वह हमारे समाज में ही होता है, हमारे समुदाय में होता है, तो इसके अंतर क्रिया हमें देखने को मिलती है। खास तौर से आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबने मेरे से पूछा भी था। देखो, शिक्षा का अधिनियम 2009, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं विद्यालय शिक्षा समिति को लेकर के क्या क्या बातें बाती गई, देखो विद्यालय शिक्षा समिति को लेकर के एग्जाम में आ चुका है ना। देखो एक चीज बताऊं, ये इसको जून 2023 में पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार आपसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहीं से आया था ना जो मेरे से पूछा था। देखो, खास तौर से विद्यालय और समुदाय के अंतर, देखो खास तौर से जो हमारा विद्यालय होता है, समुदाय होता है, यह मिलजुल करके शिक्षा को संचालित करते हैं। ठीक है, हमारा जो समाज होता है और जो हमारा समुदाय होता है, यह मिलजुल करके क्या करते हैं, शिक्षा को संचालित करते हैं। ठीक है, देखो ये तो आ चुका है जून 2023 में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें से जो आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो पूछा जा सकता है कि विद्यालय विकास और शिक्षण प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका। अगर आप देखेंगे आज जो विद्या शिक्षण का विकास है, उसमें देखो सरकार कितने तरह से काम कर रही है भाई, एजुकेशन को बेहतर बना सके, एजुकेशन क्वालिटी पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। आपका ये जो 12वां चैप्टर है, ठीक है, ये जून 2023 में आया, इसके लिए मैंने इसको स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना का मतलब क्या, कि हमारे जो विद्यालय हैं उनको उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसमें उनमें बिल्डिंग अच्छी हो, उनमें फर्नीचर हो, उनमें कंप्यूटर आए, उनमें कंप्यूटर शिक्षा दी जाए, या एक है यही विद्यालय विकास योजना।
ठीक है, उसकी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी हो, विद्यालय में खेल कूद के समान हो, विद्यालय में एक प्ले ग्राउंड हो, ये क्या है विद्यालय विकास योजना में यही चीजें रखी गई हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति क्या होती है, जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट को भी बताया गया कि भाई आपकी मूलभूत संरचना कैसे, विद्यालय कैसा होना चाहिए, कमरे कैसे होने चाहिए, खुले कमरे, खुले हवादार होने चाहिए, कमरों में पंखा होना चाहिए, कमरों में लाइट होनी चाहिए, उचित प्रकाश होना चाहिए, इस बात को बोला गया। ठीक है, और विद्यालय प्रबंधन समिति के बहुत सारे कार्य दिए गए ना, जैसे यही पूछा गया था ना, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य 2009 में आपको लेके पूछा गया था ना, देख लेते हैं। मैं आप बोलेंगे बताया नहीं, पढ़ाया नहीं आप सबने जो मेरे से पूछा था, इसको देख लेते हैं भाई मेरे। ठीक है, देखो ये रहा 2009 में, ठीक है, जो परिवर्तन किया गया था, देखो है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, और जो आपका विद्यालय होगा ना 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए, ये इसमें दिया गया है शिक्षा के अधिकार 2009 में। ठीक है, अगर विद्यालय प्रबंधन समिति को क्या बोला गया उसकी हम बात कर लेते हैं, जो आपने पूछा था मेरे से, विद्यालय प्रबंधन समिति, देखो विद्यालय प्रबंधन समिति आरटीआई 2009 में एक महत्वपूर्ण घटक है तथा आरटीआई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें इनको क्या बोला गया है, इनमें बोला गया है कि 75% 3/4 सदस्य विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक होना चाहिए, यानी विद्यालय की जो कमेटी हो ना उसमें 3% यानी 75% जो होंगे वह स्कूल यानी विद्यार्थी जो होंगे ना उनके माता पिता उसमें होने चाहिए मैनेजमेंट में। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया कि राजस्थान में बोला गया कि सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए तथा महाराष्ट्र में, यानी विद्यालय का जो मैनेजमेंट है उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, 25% 1/4 सदस्य स्वयं विद्यालय के होने चाहिए, जो विशेष शिक्षक अस्थायी प्राधिकारी होनी चाहिए, विद्यालय विद्यालय जो विद्यालय की प्रबंधन समिति उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, क्या 50%, विद्यालय प्रबंधन समिति में कमजोर वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, विद्यालय में सभाओं के मध्यंतर 2 महीने से ज्यादा नहीं, विद्यालय की जो प्रबंधन समिति है उसका 2 महीने में हमेशा बैठक होनी चाहिए, न्यूनतम 6 सभाएं हर साल होनी चाहिए, विद्यालय में कार्यवृत्ति और उचित प्रकार से दर्ज हो। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मतलब यानी स्कूल जो मैनेजमेंट है, देखो सरकार ने बोला है जो स्कूल मैनेजमेंट रहेगा उसमें जो विद्यार्थी है उसके माता पिता भी विद्यालय प्रबंधन समिति में पार्ट होंगे, 25% जो होंगे वह विद्यालय के टीचर होंगे या जो जिसने स्कूल बनाया वो लोग होंगे। ठीक है, साथ ही साथ सदस्यों की संख्या भी उसने बताई थी कि 15 से या 12 से 16 या 15 तक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होनी चाहिए कि हर साल अगर बात करें हर 2 महीने के अंदर में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक होनी चाहिए, विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या होनी चाहिए यानी मैनेजमेंट में 50% महिलाएं होनी चाहिए, बैठक हर समय होनी चाहिए, उसको लिखित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य यही हो किया बताया गया है कि विद्यालय के विकास के लिए प्रबंधन समिति को काम करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ विद्यालय में शैक्षिक व्यवस्थाएं अच्छे चले इसके लिए भी काम करना है, समाज यानी विद्यालय की जवाबदेही और पारदर्शी विद्यालय को पारदर्शी विद्यालय में जो आंकड़े हैं वह सही रहे, विद्यालय में शैक्षिक प्रगति के लिए निगरानी करना है, विद्यालय तथा समाज के मध्य एक अच्छा समन्वय इसके लिए भी आपको क्या करना है संयोजन लेकर के चलना है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति को लेकर के जो आपका शिक्षा का अधिकार 2009 है उस अधिनियम में यही बातें आपको बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, इसमें से आपको एक देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर रहेगा नेक्स्ट, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13 क्या है, मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को समझना। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिएगा, इसमें जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र अधिगमकर्ता का मतलब होता है भैया जिसको हम बोलते हैं अधिगम का मतलब सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है सीखना, भाई शिक्षा में तो सीखा ही जाता, अधिगम अनुभव यानी आपने यानी जो हम सीखते हैं अनुभव के जरिए सीखते हैं, जैसे हमने किसी चीज का अनुभव किया उसके जरिए। दूसरा प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया क्या यानी हम एक किसी विशेष प्रक्रिया में चीजों को सीखते हैं। ठीक है, या अधिगम वातावरण, यानी सीखने के लिए हमारा एक अच्छा वातावरण भी होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। तो अध्यापक यानी अधिगम में अध्यापक की भी क्या है एक बड़ी भूमिका है, क्या है अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है भैया सीखना, लर्न करना जिसको हम बोलते हैं लर्निंग, ठीक, उसी को क्या बोला जाता है अधिगम। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में इन चीजों की बड़ी भूमिका अधिगम यानी सीखना।
ठीक है। उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में देखेंगे तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधियां जिसके जरिए पढ़ा, अंतरदर्शन विधि है, अवलोकन विधि है, प्रायोगिक विधि है, सर्वेक्षण विधि है, ये सारी विधियां जिससे बच्चों को क्या किया जाता है, टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये विधियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है, ये जो विधियां दे रखी हैं ये विधियां इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, विधियां आपसे पूछा। सर्वेक्षण विधि का यानी सर्वे करके जब पढ़ाया, सर्वेक्षण करके, ठीक है। ये विधियां, ये टीचिंग की विधियां है, ठीक है। और अधिगम का मतलब क्या था, सीखना। अधिगम मतलब क्या, सीखना। अधिगम करता यानी जो सिखाने वाला है, अधिगम अनुभव यानी हम अनुभव के जरिए सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया यानी हम किसी प्रक्रिया के जरिए भी सीख सकते हैं, अधिगम वातावरण यानी अधिगम यानी सीखने के लिए हमें एक अच्छा वातावरण भी होना चाहिए और सीखने के लिए हमें एक अध्यापक की भी क्या होती है, जरूर पड़ती है। और यहाँ पर ये जो विधियां दे रखी है, विधियां भी आपके लिए क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें से कह सकता हूँ कि एक विधि आपके एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है, यहाँ पर जो आपके लिए भाई मेरे विधियां दे रखी है, विधियां भी काफी इंपॉर्टेंट, इनको भी पढ़ करके जरूर जाना, ठीक। चैप्टर नंबर 14 क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को समझना, सामाजिक मनोविज्ञान में शिक्षा को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो खास तौर से सामाजिक मनोविज्ञान में शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है, इसमें खास तौर से सामाजिक मनोविज्ञान का इतिहास क्या है या शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान में संबंध, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 पॉइंट जो छह है, देखो शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान में तो सच में संबंध है, हम मनोविज्ञान को हमने पढ़ रखा, वही मनोविज्ञान के जरिए क्या जाता किसी भी चीजों को अच्छे तरीके से समझ जा सकता है, और मनोविज्ञान के जरिए क्या दी जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए क्या दोनों में हमें अगर आप देखेंगे तो संबंध पाया जाता है। तो अगर आपकी बात करें जो आपका 14वां चैप्टर है जिसमें 14 पॉइंट जो 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दूसरा अगर आप देखेंगे 14.3 सामाजिक मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है और सामाजिक मनोविज्ञान की क्या क्या सिद्धांत है, ये हो सकता है, यही आपके एग्जाम में आ सकता है, जो खास तौर से आपका जो चैप्टर नंबर 14 है, इसमें चैप्टर नंबर 14 से इसी को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 15 क्या है, शिक्षा की समझ हेतु मनोविज्ञान सिद्धांत, यानी शिक्षा को समझने के लिए मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत है, ठीक है। तो अगर हम सिद्धांत, जैसे व्यवहारवाद क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था भाई व्यवहारवाद क्या होता है, दूसरा ज्ञानवाद यानी ज्ञान के जरिए, उसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानवाद, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे व्यवहारवाद और ज्ञानवाद, ये दो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। स्वयं प्रत्यय का बोध क्या, यानी स्वयं प्रत्यय का बोध का मतलब यानी स्वयं सीख लेना, स्वयं प्रत्यय का बोध यानी जब व्यक्ति अपने आप से ही सीख लेता है, उसे स्वयं प्रत्यय बोध। समूह और सामाजिक व्यवहार क्या, यानी जब हम अपने समूह में सीखते हैं, यानी जो हमारा ग्रुप होता है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, जो हमारा समाज होता है, उसमें जो सीखते हैं वो समूह और समाज व्यवहार होता है। ज्ञानवाद यानी हम ज्ञान के जरिए अलग अलग जो नॉलेज के जरिए सीखते हैं, ज्ञानवाद है, ज्ञानवाद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद यानी जब हम व्यवहार में किसी चीज को सीख लेते हैं, जैसे कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी के यहाँ गए हैं, किसी ने हमको सिखा दिया, यही व्यवहारवाद, व्यवहारवाद इसको बोला जाता है। इसके जरिए भी तो हम सीखते हैं ना भाई, किसी चीज को तो इसके जरिए भी सीखा जा सकता है। तो खास तौर से आपका जो 15वां चैप्टर होगा इसमें व्यवहारवाद और ज्ञानवाद, संज्ञानवाद, संज्ञानवाद, ठीक है, संज्ञानवाद, किसी चीज का हम संज्ञानवाद क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो व्यवहारवाद या आपसे जो पूछा जाएगा संज्ञानवाद। 15.6 जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपका जो 15.3 है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, जो पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट रहेगा चैप्टर नंबर 16 क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान गुण धर्मों की समझ। इस बिल्कुल लास्ट चैप्टर 16वां चैप्टर जो आपका रहेगा, इसमें अगर आप देखेंगे बुद्धि, ठीक है, और बुद्धि क्या, एक प्रकार से बुद्धि पर जो विचार दिए गए हैं, ठीक है, बुद्धि क्या भाई सिखाने में, हार्वर्ड गार्नर में इन सबको बहुत अच्छा, बुद्धि को लेकर के हार्वर्ड गार्नर का बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसको पढ़ के जाना, हार्वर्ड गार्नर बुद्धि को लेकर के। हमारे कई प्रकार की बुद्धि होती है, संगीतात्म बुद्धि, देखो किसी किसी को संगीत में बहुत बुद्धि होती है ना, देखो जो गायक बन जाता है यानी उसने संगीत में अपने, उसी प्रकार से गतिक बुद्धि क्या होती है, गतिक बुद्धि मतलब समझते हो, अगर मैं आपसे पूछूं गतिक बुद्धि क्या होती है, गतिक होती नहीं, जैसे अगर आप ट्रक ड्राइवर में कौन सी बुद्धि है, गतिक बुद्धि है, प्लेन उड़ाता है गतिक बुद्धि है, ठीक है, उसी प्रकार से बाइक चला रहा गतिक बुद्धि है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर है गतिक बुद्धि है, संगीतक बुद्धि क्या होती है, जो गायक होता है उसमें संगीतक बुद्धि होती है, वैज्ञानिक बुद्धि क्या होती है, जो विज्ञान वैज्ञानिक होते हैं, साइंस जो होते नहीं वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि है, ये अलग अलग बुद्धियां होती हैं, हार्वर्ड गार्नर का जो बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो समय नहीं है, नहीं तो आपको बहुत अच्छे समय बताता, ठीक है, टाइम नहीं है,
बुद्धि को लेकर के, ये जो थोड़ा जैसे उसने कई सारी बुद्धियां बताई हैं, जैसे संगीतक बुद्धि है, गायक बुद्धि है, गतिक बुद्धि है, ठीक है, अलग अलग उसने बुद्धियां बताया, ज्ञान गणित विज्ञान बुद्धि है, गणित विज्ञान जिन चुगो किसी के तुमने देखा कि उनको गणित बहुत अच्छे से आती है, जो गणितज्ञ बन गए हैं, जो वैज्ञानिक बन गए हैं, या किसी किसी में देखा होगा हमारे देखो हम लोग जो है ना, हम लोगों में सारी प्रकार की बुद्धियां हैं, तो अगर हम किसी अगर किसी बुद्धि पर ज्यादा ध्यान देते थे तो हमारी बुद्धि क्या होती बढ़ जाती है ना। अगर अगर हर व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियां हैं ना, इसको लेकर के वैसे पहले माना जाता कि आदमी जो बुद्धि होती ना वो जन्म जात आती है, लेकिन बाद में हॉवर्ड गार्नर ने इस चीज को प्रमाणित कर दिया था कि भाई जन्म के साथ हमारे अंदर सभी बुद्धियां हैं, अगर हम अपनी किसी बुद्धि पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वह उसमें इंक्रीज होगा। अगर तुम लोग गाना गाना सीखोगे तो धीरे धीरे तुम गाना गाना सीख जाओगे और गायक बन जाओगे, यानी तुमने अपनी गायन बुद्धि बढ़ा ली है, ठीक है। अगर मान लो तुम प्लेन चलाना सीख जाओ या बाइक चलाना या आप ट्रक चलाना के लगातार सीख रहा, तो उसकी क्या हो जाएगी भाई, उसकी अगर आप देखेंगे तो गतिक बुद्धि बढ़ जाएगी, संगीतक बुद्धि आप बढ़ा सकते हैं संगीत के जरिए, उसी प्रकार से जो अलग अलग बुद्धियां हैं बढ़ा जा सकता है। तो बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, ये हॉवर्ड गार्नर ही कहता है, बुद्धि जन्मजात नहीं हो सकती है, बुद्धि को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। क्या बोला, बुद्धि जन्मजात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा विचार चलता था कि भैया कि जो व्यक्ति जैसा पैदा हुआ वैसा है, मंद बुद्धि हो तब जिंदगी में मंद बुद्धि रहेगा, ऐसा नहीं, बुद्धि जन्मजात नहीं होती, बल्कि बुद्धि को घटाया बढ़ाया जा सकता है। हम किसी भी चीज पर विशेष ध्यान देकर के अपनी बुद्धि को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हॉवर्ड गार्नर की सबसे बड़ी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद पूछी खूब जाती है, अब यहाँ पर इतनी आती नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन मास एमएड ओमेड में खुद पूछ जाती थी, ठीक है, एमएड में आती है, ठीक है, बीएड वर्ड में खूब आती थी, ठीक है। या बुद्धि के अल्फ्रेड बेन, इनकी भी वही थ्योरी है, बुद्धि को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अभिक्षमता, यानी हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, उसी के हम लोग बोलते हैं अभिक्षमता, बढ़ाई सृजनात्मकता, सृजनात्मक यानी सृजन करना है, सृजनात्मकता यानी जब हम किसी नई चीज को एवेल्युएट करते हैं, जैसे कवि अपनी कविता बनाता है उसको सृजन बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है इसको हम बोलते हैं सृजनकर्ता, ठीक है। तो आपके लिए सृजनात्मकता काफी इंपॉर्टेंट है। अभिवृत्ति क्या होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, टाइम होता तो अच्छे से मैं जरूर बता देता, ये सब बी एड वर्ड में आता है, एमएड वर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। बुद्धि वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने हॉवर्ड गार्नर को लेकर के थोड़ा सा मैंने बता दिया, टाइम होता तो और एक्सप्लेन करता, और ये आपकी जो सृजनात्मकता है, अभिप्रेरणा है, अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व एक प्रकार से हर व्यक्ति का भैया अलग अलग व्यक्तित्व होता है ना, हर व्यक्ति का अलग एक जैसा व्यक्तित्व नहीं होता, हर व्यक्ति का क्या होता है अलग अलग व्यक्तित्व होता, वही होता, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के बातचीत करने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति में संस्कार अलग है, हर व्यक्ति का उठना बैठना अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग हैं, या हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार से, तो वही क्या होता है हमारा व्यक्तित्व होता है। खासतौर से इसमें बुद्धि कर लेना, बुद्धि हमारे और बुद्धि बहुत आसान है, अगर मैं मिलता तो मैं हॉवर्ड गार्नर को आपको जरूर बताता, बहुत अच्छी इन्होंने थ्योरी दे रखी है, बेस्ट थ्योरी है, इतनी बड़ी थ्योरी किसने, जिसने पूरी साइंस को यानी कह सकते बुद्धि के सिद्धांत को जिसने बदल के रख दिया था, और इसी ने प्रमाणित कर दिया था बुद्धि को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, और बुद्धि जन्मजात नहीं हो सकती है, किसने बताया था, हॉवर्ड गार्नर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ठीक है। इसमें देखिएगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो गुणधर्म है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर बात करूं तो आपके जो ये चैप्टर है 16 के 16 चैप्टर, मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है उसमें बताने का प्रयास किया है, समय की वजह से जितना मैंने बता नहीं पाया, साथ जरूर कर सकते हैं, आने वाले समय में जरूर पूरी क्लास करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाकी जितना मैंने बताया है अगर आप लोग इतना ही अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आप सभी का जो एग्जाम है काफी अच्छे से निकल जाएगा, और आपको किसी प्रकार की जो जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं अगर आप उनको ही अच्छे से लिख देंगे, बना बना के लिख देंगे, तो आपको जरूर कह सकता हूं आप सभी एग्जाम में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू, और बाकी ऐसी क्लास आपको क्लास मिलती रहेगी, और कमेंट करके जरूर बताना अगर और आपको कोई क्लास चाहिए, ठीक है।